डिफ्रैक्शन बताने से पहले मैं बहुत ही ब्रीफली तुम्हें जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट एक बार मैं चाहता हूँ यहाँ पर फिर से लिख दूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये रिजल्ट तुम लोगों को कितने अच्छे से याद है, डिफ्रैक्शन के मेन रिजल्ट्स। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पर हम और यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता था। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा की जो पोजीशंस थी, ये पहला मिनिमा है ना, और उसी तरह से ये पहला मैक्सिमा होगा, फिर दूसरा मिनिमा होगा। तो ये जो मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशंस थी उसके लिए हमारे पास रिजल्ट आया था। मैक्सिमा के लिए रिजल्ट आया था कि अगर तुम्हें याद है मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन आई थी एन लैम्डा अपॉन डी के इक्वल, कि डी यहाँ पर दोनों स्लिट्स के बीच का गैप था। ठीक है, ये मैक्सिमा के लिए कंडीशन आई थी। ठीक है, और इसी तरह से मिनिमा के लिए क्या कंडीशन आई थी, मिनिमा के लिए कंडीशन आई थी कि थीटा की जो वैल्यू है, अगर स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा का मतलब थीटा है, एन माइनस हाफ लैम्डा अपॉन डी के। ठीक है, मैं लीनियर पोजीशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लीनियर पोजीशन तुम हमेशा बता सकते हो अगर तुम्हें स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस पता है, थीटा टाइम्स कैपिटल डी ये वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन पता है तो लीनियर पोजीशन भी पता है। ये तो पोजीशंस के लिए रिजल्ट्स हो गए। अब इसके बाद इंटेंसिटी के लिए क्या रिजल्ट आया था, तो इंटेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, इंटेंसिटी किसी भी जनरल पोजीशन पर आई थी, जनरल पोजीशन पर इंटेंसिटी आई थी 4I0, अगर तुम्हें याद है आइडेंटिकल सोर्सेज है 4I0 cos स्क्वायर phi अपॉन 2, ये रिजल्ट आया था, याद है तुम्हें। और phi का मतलब था फेज डिफरेंस। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था d sin थीटा। ठीक है, d sin थीटा, और इसी को dy/dv भी लिख सकते हो, चाहे तुम लीनियर पोजीशन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ये पार्ट डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाई 2π/λ। ठीक है, फेज डिफरेंस इज 2π/λ टाइम्स पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो फाई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हें हर एक पॉइंट पर किसी भी पर्टिकुलर एंगुलर पोजिशन पर या लीनियर पोजिशन पर, अगर हमें पोजिशन गिवन है तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम बता सकते हैं। और अच्छा, ये जो इंटेंसिटी का जो रिजल्ट है इसको देख करके ये भी पता चलता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये जो 4I0 है ना, यहाँ पे I0 का मतलब है सोर्स की इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है स्क्रीन पे उसको फॉर द टाइम बीइंग लेट अस कॉल इट IMAX। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के टर्म्स में अगर हम रिजल्ट लिखेंगे तो इंटेंसिटी का वेरिएशन कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी टाइम्स कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें पता चलता है कि इंटेंसिटी पहली चीज कोसाइन स्क्वायर से वैरी करता है,
ठीक है, तो उसकी जो शेप है ना कुछ यूं इस तरह से आ रही है। तुम इस इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को देख करके बता सकते हो कि यहाँ पर हर एक मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल सेम है, वो आई मैक्स 4 I0 के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट मैक्स सेंट्रल मैक्स में, फर्स्ट मैक्स में, सेकेंड मैक्स में, थर्ड मैक्स में, हर एक मैक्सिमा की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तुम स्क्रीन के ऊपर जाओगे तो बिल्कुल सेम इंटेंसिटी की लाइट दोबारा मिलेगी, फिर उसके बाद भी मिलेगी, और इस तरह से। ठीक है, हर एक मैक्सिमा की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है, तो जो पैटर्न है ना यहाँ पे, जैसे इस तरह से स्लिट का मान लो यहाँ पे ब्राइट बैंड बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद मान लो इस जगह पर मिनिमा है तो ये डार्क बैंड, ठीक है, इसके बाद फिर मैक सारे एक साथ में मिनिमा, उसके बाद वाला मिनिमा यहाँ पर है, उसके बाद वाला मिनिमा यहाँ पर है। ठीक, अगर यहाँ से साइड से देखेंगे ना, ठीक है, ये तो हमने साइड व्यू ड्रॉ किया ना, एक्चुअल सेटअप तो तुम्हें बता चुका हूँ कि हमारा जो स्लिट है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, डबल स्लिट, ठीक है, और इसके पीछे जो बोर्ड है, स्क्रीन है, वो कुछ इस तरह की है। तो स्क्रीन पे जो पैटर्न आ रहा है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से पैटर्न आएगा। ठीक है, मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम फर्स्ट मैक्सिमम सेकेंड मैक्सिमम इस तरह से। ठीक है, तो इसी को मैं, ठीक है, स्क्रीन का जो, ठीक है, फ्रंट व्यू है वो यहाँ पर दिखा दूंगी, तो साइड व्यू है, तो इसके बाद फिर से यहाँ पर मैक्सिमा आएगा, यहाँ पर भी मैक्सिमा आएगा, और धीरे धीरे ये जो इसकी इंटेंसिटी है ये तुम इमेजिन कर सकते हो। ठीक, ग्रेजुअली, चलो इसको रहने देता हूँ, ठीक, फिगर कुछ इंटेंस इस तरह से स्लिट पैटर्न आएगा, इस तरह से कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि हर एक मैक्सिमा की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होगी और हर एक मैक्सिमा और मिनिमा बिल्कुल इक्वल इंटरवल पर आएगा। ठीक है, और हर एक फ्रिंज की जो विड्थ है, हर एक फ्रिंज विड्थ बिल्कुल सेम विड्थ की फ्रिंजेस फॉर्म होंगी। ठीक है, और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू लैम्डा डी अपॉन डी के इक्वल है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये तो डबल स्लिट के रिजल्ट से जो तुम्हें पता है। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमा की पोजीशन आती है एन लैम्डा अपॉन डी पर, और सेंट्रल मैक्सिमा जीरो पर, फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा बाई डी पर, सेकेंड मैक्सिमा 2 λ/d पर, इसी तरह से मैक्सिमा की पोजीशन डबल स्लिट सेटअप में आ रही थी। ठीक, ये रिजल्ट्स मैं एक बार याद दिला दिया क्योंकि ये रिजल्ट अभी कंपेयर करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसके बाद नेक्स्ट फिनोमिना है, ठीक है, वो कहलाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन की जो लिटरल मीनिंग है वो, तो डिफ्रैक्शन को डिफाइन तो हम इस तरह से क्या करते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अबाउट एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अबाउट एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द जियोमेट्रिक शैडो अलोंग द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो साउंड के बारे में हमें पता है कि साउंड, हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, या ये दरवाजा है, ठीक है, यहाँ पे कोई साउंड का सोर्स रखा है, इसके पीछे कोई आदमी है, वो इस साउंड को डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, लेकिन लाइट के लिए हमें पता था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है,
लेकिन ये बाद में हम डिटेक्ट करते हैं और केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कि लाइट भी ऑब्स्टेकल के अराउंड अपना पाथ बेंड कर सकती है। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये ऑब्स्टेकल रखा हुआ, मान लो ये लाइट है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, इस तरह से, इस तरह से इससे लाइट ट्रेवल कर रही है और इसके पीछे कोई स्क्रीन रखा हुआ है, बिल्कुल मान लो लेजर लेजर लाइट है। ठीक, तो इस तरह से ये जो लाइट है ये जा करके यहाँ बोर्ड पर स्क्रीन पर के फॉल करेगी और बिल्कुल की वैसी ठीक है इमेज फॉर्म करेगी जिस तरह का सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट बिल्कुल अपनी डायरेक्शन में ट्रैवल करे। हम मैं जानबूझ के समझाने के लिए लेजर लाइट ले रहा हूँ, लेजर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में बिना डाइवर्ज किए हुए सीधा आगे जा रही है। ठीक है, बहुत कम मतलब इसका डाइवर्जेंस। हम क्या करते हैं इसके बाद, मान लो यहाँ पर कोई एक छोटा सा ऑब्स्टेकल लाते हैं, ठीक है, और इसको ना लाइट के पाथ में, ठीक है, इंटरफेयर कराते हैं। ठीक है, लाइट के पाथ को ये जो ऑब्स्टेकल ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, अब मैं इसका साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर से अगर हम देखते हैं तो क्या दिखेगा हमें, तुम लोग बताना। तो ये हमारी लाइट है, ये बिल्कुल पैरेलल इस तरह से पैरेलली ट्रैवल कर रही है। ठीक है, जैसे करनी चाहिए थी। और ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है। तो पहले क्या हो रहा था कि ये लाइट तो नॉर्मली ट्रैवल करके इस तरह से स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है। जिस पार्ट ऑफ स्क्रीन पर लाइट फॉल करती है वो वाला पार्ट स्क्रीन का इल्यूमिनेट हो जाता है। ठीक है, और भी चाहो तो तुम इस तरह से लाइट रेस, ठीक है, ड्रॉ कर। ठीक है, ये लाइट रेज इस तरह से स्क्रीन पर जाकर के फॉल करती है और जिस पार्ट पर फॉल करती है वहां का पार्ट, ठीक है, इल्यूमिनेट हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, ठीक है, और बाकी पार्ट डार्क रहता है। हम क्या करते हैं ना, एक ऑब्स्टेकल को इन लाइट रेज के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो ऑब्स्टेकल यहाँ पर दिखाया है, ये ऑब्स्टेकल साइड से वो एक सेकेंड रुक जाओ। हेलो, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ऑब्स्टेकल है इसको धीरे धीरे हम लाइट के पाथ में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, मान लो इसको यहाँ पर ला करके रख देते, ठीक, इस तरह से बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, थोड़ा सा, ठीक, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन ये है, क्या होना चाहिए बताओ, कि वो वाला पार्ट जो बिल्कुल ओपन है, जो कि ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक, इस पार्ट तक तो ये वाला जो पार्ट है स्क्रीन का ये ब्राइट रहेगा और ये वाला जो पार्ट है डार्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल शार्प बाउंड्री होनी चाहिए ब्राइट पोर्शन और डार्क पोर्शन के बीच में। ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो जहाँ जो
जो पार्ट ब्लॉक हो जाएगा वो कम्प्लीटली ब्लॉक होगा, और जो पार्ट ब्लॉक नहीं होगा वो पार्ट स्क्रीन पर अपीयर होगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन हम टू आर सरप्राइज हम अपना मतलब एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल सेटअप में हम स्क्रीन को ऑब्जर्व करते हैं, और स्क्रीन को ऑब्जर्व करने के बाद स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो किस तरह से चेंज कर रही है, ये बहुत ही, ठीक है, सरप्राइजिंग था, ठीक है, एटलीस्ट 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट के लिए तो था। ऐसा पता चलता है, होना तो चाहिए था कुछ। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इसके ऊपर वाले पार्ट में बिल्कुल ब्राइट ब्राइटनेस रहेगी और नीचे वाले पार्ट में डार्कनेस रहेगी, ऐसा होना चाहिए था एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो स्क्रीन पर ब्राइटनेस है ना, उसको मैं यहाँ पे ऐसे अच्छे से तो नहीं दिखा सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ, उसके करेस्पॉन्डिंग में ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, इंटेंसिटी का वर्सेस पोजिशन, ये मान लो यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है, इसके पीछे मैं यहाँ पर इंटेंसिटी वर्सेस पोजिशन ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये ग्राफ कैसे प्लॉट करता हूँ ये अच्छे से समझना तुम लोग। ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे पोजिशन है, ठीक है, और इधर इस एक्स एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मैं इंटेंसिटी प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम इंटेंसिटी का वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होता था कि हम एक्स एक्सिस पे अपना वेरिएबल प्लॉट करते थे, ठीक है, और इधर इंटेंसिटी प्लॉट करते हैं, ठीक है, इससे इस ग्राफ से फेमिलियर, लेकिन अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको रोटेट करता हूँ, इस तरह से रोटेट कर दिया, ठीक, पोजीशन वाई एक्सिस पे चली गई और एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी आ गई, ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसको भी तुम्हें कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए इसमें, और इस तरह के ग्राफ्स अभी हम इंटरफेरेंस में भी प्लॉट कर चुके हैं। ये क्या हो रहा है, चला गया, ठीक है, हाँ, तो इंटेंसिटी का वेरिएशन हम प्लॉट करते हैं, और हमें ऐसा पता चलता है इंटेंसिटी का वेरिएशन जो कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह का आना चाहिए था। यहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए थी यूनिफॉर्म, और यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा हमें पता चलता है कि प्लॉट करने के बाद हमें पता चलता है कि इंटेंसिटी का वेरिएशन ऐसा नहीं होता है, इंटेंसिटी का वेरिएशन कुछ इस टाइप का, इसको देखोगे, इसको मैं कैसे, इसको पहले हटा देता हूँ, इसको कंपेयर, ठीक है, तो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन एक्चुअल वेरिएशन आता है वो कुछ इस तरह का आता है। तो तुम देख सकते हो जिस पार्ट में बिल्कुल शैडो आना चाहिए था वहां पे भी लाइट अपीयर हो रही है, ठीक है, और हम बोलते हैं कि इस ऑब्स्टेकल के अराउंड ये लाइट इस तरह से बेंड करके इस शैडो वाले पोर्शन में जा रही है, ठीक है, इसी फिनोमेनन को हम डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो लाइट साउंड के लिए हमें पहले से पता था, लेकिन पता चलता है लाइट भी ऑब्स्टेकल के अराउंड बेंड करती है, और ये एक्सपेरिमेंट तुम अभी अपने सामने के कर सकते हो। तुम रोज मान लो ये डोर है तुम्हारे कमरे का, और जो लाइट सोर्स है कुछ इधर है, तो इसके अकॉर्डिंग लाइट सिर्फ यूं नहीं थोड़ा इधर भी आती है, कि इसके शैडो वाले पार्ट में कंप्लीट डार्क नहीं होता, वहां पे भी कुछ ना कुछ लाइट की इंटेंसिटी रहती है, लाइट भी बेंड कर रही है, इसलिए बेंड कर रही है क्योंकि लाइट भी बिल्कुल साउंड की तरह वेव है,
और वेव है, इसलिए लाइट भी ऑब्स्टेकल के अराउंड बेंड कर सकती है। क्यों बेंड कर सकती है उसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। कोई भी वेव ऑब्स्टेकल के अराउंड क्यों बेंड करेगी वो हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन ओवरऑल ये जो सेटअप है इसमें लाइट किस तरह से ये शेडो वाले पोर्शन में एंटर कर रही है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ठीक है, इसको तुम अपने ठीक है डेली लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस करते हो ठीक है। तो ये हमारा सेटअप था। इनफैक्ट मेरे पास और एक डायग्राम है, इसको मैं देखता हूँ कि वो दिखाना चाह रहा था तुम लोगों को। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के लिए फोटोग्राफ ली गई है और तुम लोग ये इसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट तुम अपने घर पर परफॉर्म कर सकते हो। एक मोनोक्रोमेटिक लेजर सोर्स लाओगे ठीक है, और ये मार्केट में रेडीली अवेलेबल होता है, बहुत चीप होता है, और इसके सामने एक रेजर ब्लेड इसको लगा के रखोगे क्योंकि इसका एज जो है ना बहुत शार्प होता है। इस तरह से इसके सामने ये लगा के रखोगे रेजर ब्लेड को। तो इसके बाद जो ठीक है, अगर ये मोनोक्रोमेटिक है तो इसके बाद जो शेडो वाला पोर्शन देखोगे और जो ब्राइट पोर्शन देखोगे वो कुछ इस तरह का ये पैटर्न आएगा ठीक है। वहां पे भी मैक्सिमम मिनिमम टाइप के फ्रिंजेस फॉर्म होंगे ठीक है। ठीक है, तो तो ये तो एक पार्ट हो गया, मतलब एक एज के अराउंड हम लाइट की बेंडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने कोर्स में ये वाला पार्ट, मतलब डिफ्रैक्शन एक क्लास ऑफ फिनोमिनन है, उसमें से हम सिर्फ एक स्पेशल कैटेगरी डिस्कस करेंगे कि डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल अपर्चर या सिंगल स्लिट ठीक है। तो हम ये जो हमारा ऑब्स्टेकल है ना, इसके अराउंड लाइट कैसे बेंड कर रही है ये थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ रहा होगा ठीक है। इसके अराउंड लाइट बेंड कैसे करी वो तुम यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा बहुत, लेकिन हम क्या करते हैं इसके ऊपर एक और ऐसा ऑब्स्टेकल लाते हैं ठीक है, और इस ऑब्स्टेकल को धीरे धीरे पास लाते हैं ठीक है। तो जैसे जैसे पास लाएंगे, जब ये ऑब्स्टेकल दूर रहेगा तो तुम्हें थोड़ा अंदाजा होगा कि जो पैटर्न है ना वो कुछ इस तरह का होना चाहिए ठीक है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऑब्स्टेकल को पास लाएंगे तो ये जो पैटर्न है ये बीच में कुछ इस तरह का होने लगेगा। लेकिन हम देखते हैं जब इन दोनों ऑब्स्टेकल्स को बिल्कुल पास ले आते हैं और इसके बीच में बिल्कुल नैरो स्लिट फॉर्म होती है, और उस स्लिट की जो विड्थ है वो अगर वेवलेंथ के कंपेरेबल हो जाती है ठीक है, वेवलेंथ के आसपास आने लगती है, 10 times दी वेवलेंथ या 20 times दी वेवलेंथ या 5 times दी वेवलेंथ आ जाती है, तो उस केस में जो पैटर्न है ठीक है वो कुछ तुम एक्सपेक्ट करोगे ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो पैटर्न है ना वो कुछ वो होता है इस तरह, यहाँ पे फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं, ब्राइट डार्क बैंड्स फॉर्म होते हैं डबल स्लिट की तरह। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो सारे मैक्सिमा की सेम नहीं रहती है, ओवरऑल पैटर्न कुछ इस टाइप का होता है। तो मेरे पास दूसरा सेटअप भी है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ठीक है। तो यही वो स्लिट है सिंगल स्लिट, और सिंगल स्लिट के अक्रॉस हम किसी सोर्स को रख रहे हैं ठीक है, और सोर्स से लाइट सिंगल स्लिट पे जाती है, और रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग इस स्लिट से जो लाइट है ना बिल्कुल उसी पार्ट में फॉल करनी चाहिए जो पार्ट ठीक है स्लिट के सामने आ रहा है, इसके अलावा बाकी पोर्शन बिल्कुल शेडो का होना चाहिए, वहां पे कोई लाइट नहीं जानी चाहिए। लेकिन हम इंटरेस्टिंगली देखते हैं कि लाइट एक्चुअली सिर्फ बीच में नहीं, ये और इसके आगे भी इस तरह से फ्रिंजेस का पैटर्न, ब्राइट डार्क पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता है ठीक है सॉरी। और यहाँ पे फ्रिंजेस का पैटर्न आने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम आने के पीछे रीजन क्या है, वो अब इतना भी मिस्टीरियस नहीं है
क्योंकि तुम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हो, तो तुम ये इमेजिन कर सकते हो। डबल स्लिट में हम ऐसा बोलते हैं कि जो लाइट है, यहाँ पे एक ओरिजिनल सोर्स रखा, इससे लाइट है, लाइट लाइट का मतलब वेव है, तो वेव वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। सिमेट्रिकली दोनों सोर्सेस को रखा तो वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचेगी, और वेव फ्रंट का हमें पता है वेव थ्योरी से कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो इस पॉइंट से भी लाइट, मतलब इस ये पॉइंट भी लाइट के सोर्स की तरह बिहेव कर, यहाँ से भी लाइट वेव ट्रैवल करके स्क्रीन पर जा रही थी, यहाँ से भी लाइट वेव ट्रैवल करके स्क्रीन पर जा रही थी, और दोनों सुपरपोज कर रहे थे, और सुपरपोजिशन का जो रिजल्ट था वो अल्टीमेटली तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। ये तो डबल स्लिट की बात हो गई, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अगर डबल स्लिट नहीं है, सिर्फ सिंगल स्लिट है, ठीक है, अगर सिर्फ सिंगल स्लिट है और उसकी जो उसकी इसको जानबूझ के मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, और सिंगल स्लिट का जो स्लिट की जो विड्थ है, ये जो स्लिट विड्थ है, डबल स्लिट में हम स्लिट्स के बीच का गैप डी एज्यूम कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ही स्लिट है और इस स्लिट की जो विड्थ है उसको लेट अस कॉल इट स्मॉल डी, ठीक है। तो अब तुम्हें समझना चाहिए अगर लाइट वेव है, ठीक है, अगर तुम ठीक है मानते हो कि लाइट वेव है, तो अब जैसे यहाँ पे भी ऐसे वेव फ्रंट्स, इसके पीछे हमने कोई प्राइमरी सोर्स रख दिया, यहाँ से लाइट वेव, ठीक है, वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ट्रेवल करके इस सिंगल स्लिट तक आती है, लेकिन वेव फ्रंट जैसे मान लो ये जो पॉइंट सोर्स है बहुत दूर रखा गया और इससे जो वेव आ रही है वो ऑलमोस्ट पैरेलल वेव फ्रंट, तो जैसे ये वेव फ्रंट ऑब्स्टेकल पर आएगी, ठीक है, तो अब तुम समझ सकते हो कि इस ऑब्स्टेकल पे आने के बाद सिर्फ एक पॉइंट नहीं, इस ऑब्स्टेकल के अंदर भी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो जैसे ये वेव फ्रंट्स आकर के इस ऑब्स्टेकल पे फॉल करेगी, तो इस ऑब्स्टेकल का हर एक पॉइंट नए वेव सोर्स की तरह, नए पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट होगा, ठीक है, और पॉइंट सोर्स की तरह वो खुद नए लाइट वेव सोर्स, नए लाइट वेव्स को एमिट करेगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट सोर्स है ना, इस तरह से लाइट वेव्स एमिट हो रही है, ठीक है, और ये सारी लाइट वेव्स आ करके, ठीक है, इन सारे पॉइंट से ये लाइट वेव्स आ करके स्क्रीन पर फॉल करेंगी, ठीक है, और क्योंकि ये लाइट वेव्स हैं तो ये सारी लाइट वेव्स सुपरपोज करेंगी, और सुपरपोज करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, सुपरपोज करने के बाद जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा उसी तरह का पैटर्न तुम्हें स्क्रीन पे ओवरऑल दिखाई देगा। तो स्क्रीन पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली इन सारे सोर्स के का सुपरपोजिशन है, वहां पे एक सोर्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फंडामेंटली कोई भी डिफरेंस नहीं है, इंटरफेरेंस में भी लाइट वेव सुपरपोज करती है, डिफ्रैक्शन में भी लाइट वेव सुपरपोज ही करती है अल्टीमेटली, बस डिफरेंस ये है कि इंटरफेरेंस में हम, ठीक है, हम लेसर नंबर ऑफ सोर्सेज की वजह से सुपरपोजिशन देखते हैं, ठीक है, यूजुअली दो सोर्सेज होते हैं या कभी कभी तीन चार पांच काउंटेबल सोर्सेज होते हैं, उनका जो सुपरपोजिशन है उनको तो इंटरफेरेंस बोल दिया, लेकिन अगर हमारे सोर्सेज देर आर लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज और वो सोर्सेज कंटिन्यूसली स्प्रेड है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह के केस में जो सुपर पोजिशन हो रहा है उसको हम डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, हालांकि फंडामेंटली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ये इतने सारे, अब थोड़ा बहुत तुम्हें डिफ्रैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है, दो पॉइंट सोर्स का सुपर पोजिशन निकालना बिल्कुल फिंगर टिप्स तुम्हारे लिए चाइल्ड्स प्ले है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज, इन सारे सोर्सेज का तुम्हें सुपरपोजिशन करना है, इन सारे सोर्सेज का तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है, तब जाके तुम्हें ओवरऑल पैटर्न स्क्रीन पर कैसा होगा दिखाई देगा, ठीक है। वो पैटर्न तो हम अभी पता करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा गेस तो कर ही सकते हैं कि ओवरऑल पैटर्न कैसा होना चाहिए, तुम थोड़ा गेस करके बताओ, ठीक है, थोड़ा सोचो गेस करके बताओ कि अच्छा इसमें मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, उसके लिए एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे भी पहले से पता है, एक पॉइंट तो इस सिंगल स्लिट के केस में भी हमें पहले से पता है जहां पे 100% मैक्सिमा आएगा, वो कौन सा पॉइंट होगा बता सकते हो, कौन सा वो सेंट्रल सेंटर वाला पॉइंट होगा,
सेंटर इकलौता सिमेट्रिकल ऐसा सिमेट्रिकल पॉइंट है जहां पे ये सारे सोर्सेज ना कि ये सारे सोर्सेज इन फेज ठीक है सुपरपोज करेंगे और रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम ही होनी चाहिए। सेंटर पर तो श्योर होकर के कह सकते हैं लेकिन इसके बाद कहाँ पर मैक्सिमम आएगा ठीक कहाँ मैक्सिमम आएगा और मैक्सिमम कितना होगा ठीक है और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी वो अगर तुम थोड़ा सोचोगे क्योंकि यहाँ पे जो सोर्सेज है ना वो कंटिन्यूसली ठीक है मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे स्प्रेड है अलॉन्ग दी स्लिट ठीक है तो तुम इससे जैसे जैसे ऊपर चलोगे ना या स्क्रीन का कोई भी पॉइंट लोगे ठीक है वहां पे हो सकता है कि ये वाला और ये वाला पॉइंट इन फेस सुपरपोज करे लेकिन अगर ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो इसको जो जस्ट बाद वाला पॉइंट होगा ना वो 100% कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं करेगा ठीक है तो तुम इमेजिन कर सकते हो इसके लिए थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है थोड़ा सा तुम्हें मेंटल एफर्ट लगाना पड़ेगा कि सेंटर के अलावा ऐसा हमें कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहां पे बिल्कुल उसी तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो जिस तरह से सेंटर पर हो रहा हो कि सेंटर पे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सारे सोर्सेज का होगा क्योंकि पेयर वाइज सारे सोर्सेज कंस्ट्रक्टिव इंटर इसके अलावा तुम क्योंकि सारे सोर्सेज कंटिन्यूसली स्प्रेड है ना तुम अगर दो को कंस्ट्रक्टिव में रखने की कोशिश करोगे तो उसके बाद वाले कंस्ट्रक्टिव में आई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके जस्ट बाद वाले सोर्स का जो फेज है वो ऑब्वियसली इससे पिछले सोर्स से अलग होगा। अगर ये वाला सोर्स अगर मान लो इनमें से कोई भी एक सोर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ गया है तो उसके बाद वाला सोर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नहीं आएगा ठीक है। सेंटर पे भी ऐसा ही होगा ना सेंटर पे देखो सेंटर पे मैं कह रहा हूँ कि सारे सोर्सेज एग्जैक्टली सेम फेज में है ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि सारे सोर्सेज ना मैक्सिमम पॉसिबल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेंटर पर यहाँ सिर्फ सेंटर वाला पॉइंट ऐसा है कि फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सेकेंड पॉइंट और सेकेंड लास्ट पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में थर्ड पॉइंट और थर्ड लास्ट पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है ठीक है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है ऑब्वियसली ये मतलब फर्स्ट और लास्ट का जो रिजल्टेंट होगा वो सेकेंड और सेकेंड लास्ट के साथ भी सुपरपोज करेगा तो वो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता है ठीक है लेकिन ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा मैं कह रहा हूँ इसी केस में सबसे मैक्सिमम होगा स्क्रीन के बाकी पॉइंट्स के कंपैरिजन में जितना भी हो लेकिन सेंटर पर सबसे मैक्सिमम होगा ठीक है तो अब हम लोग फॉर्मली थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन का आइडिया तुम्हें लगने के बाद ठीक है फॉर्मली हम लोग डिफ्रैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक तुम ये पॉइंट अच्छे से समझ रहे हो कि ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन है ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग फिनोमिना ठीक है डिफ्रैक्शन को बिल्कुल सिंपल टाइम्स में बोलते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल ठीक है लेकिन ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है मतलब जो प्रोसेस डिफ्रैक्शन कॉज कर रहा है वो प्रोपगेशन ऑफ एवरी वेव में हमेशा प्रेजेंट होता है मतलब जब डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है लाइट सीधा ट्रेवल करी उस टाइम में भी वो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि डिफ्रैक्शन के टाइम में हो रहे हैं उस टाइम में भी इस वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स नए सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं इनकी वजह से नए वेव फ्रंट्स इमर्ज हो रहे हैं और इन वेव फ्रंट्स का एनवेलप नया वेव फ्रंट कहला रहा है ठीक है लाइट इस तरह से ट्रैवल कर रही है ठीक है तो लाइट जब प्रोपेगेट कर रही है तो वो प्रोसेसेस तो हमेशा से लाइट के प्रोपेगेशन में एक्शन में थे ही ठीक है कौन सा प्रोसेस कि लाइट वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए सोर्स की तरह ट्रीट होगा अब ठीक है अब इसमें डिफरेंस तब आता है जब हम इन सारे सोर्सेज में से ना कुछ सोर्सेज को रोक देते हैं और कुछ सोर्सेज को अलाउ करते हैं तो ओवरऑल जो पैटर्न है ना
वो इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में दिख रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। एक ब्रॉड आइडिया अगर तुम लोगों को डिफ्रैक्शन का मिल गया है तो फॉर्मली हम लोग डिफ्रैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, और डिफ्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए डिफ्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डिफ्रैक्शन के दो हम लोगों को सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन डिस्कस करना है। सिंगल स्लिट के जो पॉइंट्स है वो आपस में इंटरफेयर करके स्क्रीन पे कैसा पैटर्न फॉर्म करेंगे ये हमें पता लगाना है, ठीक है। ओवरऑल पैटर्न कैसा होगा, अगर मैक्सिमा मिनिमा होगा तो मैक्सिमा कहाँ पर होगा, मिनिमा कहाँ पर होगा, और इन मैक्सिमा मिनिमा की इंटेंसिटीज कितनी कितनी होंगी, ये सब कुछ हमें पता लगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले, ठीक है, हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। स्लिट का मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप की जो स्लिट है, इस तरह की स्लिट की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न इसके अलावा भी अलग अलग शेप की स्लिट्स के लिए अलग अलग होगा, लेकिन अभी हम जैसे डबल स्लिट में, ठीक है, स्लिट्स लिए थे डबल स्लिट पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए, तो यहाँ पे भी हम एक ही स्लिट ले रहे हैं और एक स्लिट की वजह से स्क्रीन पे कैसा पैटर्न आना चाहिए ये हम पता लगाना चाहते हैं। कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि डिफ्रैक्शन हम लोग दो डिफ्रैक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन का ऐसा सेटअप है जिसमें कि हमारा, ठीक है, जिसमें कि हमारा सोर्स, यहाँ पे मान लो हमारा कोई सोर्स है इस तरह से, ये मान लो, ठीक है, और सोर्स के सामने ऑब्स्टेकल, ये हमारा ऑब्स्टेकल है, मान इसको जानबूझ के थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ, हालांकि ये जो ऑब्स्टेकल है, क्योंकि हमें सिंगल स्लिट पर ही काम करना है तो सिंगल स्लिट थोड़ा सा बड़ा दिखाना पड़ेगा ताकि फिगर क्लियर हो, और इस ऑब्स्टेकल के बाद जो स्क्रीन है, अगर इनके बीच की जो सेपरेशन है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो हम इसको बोलते हैं ये फ्रेनेल क्राइटेरिया है डिफ्रैक्शन का। ये हम बोलेंगे यहाँ पर कि हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेनेल कंडीशन में, तो इसको हम लोग नियर फील्ड डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, नियर फील्ड डिफ्रैक्शन। नियर फील्ड डिफ्रैक्शन, और इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट या ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल लिखता हूँ जनरल डिफ्रैक्शन के लिए, सोर्स एंड ऑब्स्टेकल एंड ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन, यहाँ पर स्लिट एंड स्क्रीन, ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन, ठीक है, इज finite close, तो वैसे हमेशा ही होगी, लेकिन finite किस सेंस में कह रहा हूँ समझो, ये दोनों ज्यादा दूर नहीं है, मतलब सोर्स से स्लिट, ठीक है, पास है, तो यहाँ से लाइट रेज ऐसे ट्रेवल करके स्लिट पर आएंगी, हालांकि मुझे रेज नहीं ड्रॉ करने चाहिए, वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने चाहिए अगर प्रॉपर ड्रॉइंग में बना रहा हूँ तो, ठीक है, लेकिन रेज बनाने में थोड़ी आसानी होती है इसीलिए रेज के फॉर्म में मैं लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझना ये रेज जो है ना डिरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट्स को रिप्रेजेंट करें, अगर रेज ऐसे हैं तो तुम्हें पता है कि जो रेज होते हैं वो हमेशा वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होते हैं, वेव फ्रंट कुछ ऐसी होती है, ठीक है, तो सोर्स से
ये हमारा सोर्स है, और सोर्स से ऑब्स्टेकल पर जो ये लाइट वेव्स ट्रैवल करके पहुंच रही है, ये ऑब्वियस है कि क्योंकि ये सोर्स बहुत दूर नहीं है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पर जो लाइट वेव्स आएगी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, तो ये दोनों सोर्सेस सेम फेज में नहीं होंगे फ्रेनेल कंडीशन में, ठीक है। तो सारे पॉइंट जो है ना वो आपस में भी अलग अलग फेजेस में होंगे, ठीक है। और अब ये सारे पॉइंट्स, मतलब ये सारे पॉइंट्स कोहेरेंट नहीं है, अब ये सारे पॉइंट्स ना सोर्स की तरह ट्रीट होंगे, और यहाँ से फिर से लाइट जो है स्क्रीन पर जाएगी, स्क्रीन पर इनसे लाइट ट्रेवल करके स्क्रीन के किसी पॉइंट पर जाएगी मान लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो अब हमें स्लिट के अंदर के किसी भी दो पॉइंट के बीच का सुपर पोजिशन देखना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में हमें पहले इन दोनों का अपना फेज देखना पड़ेगा, और फिर इन दोनों को सोर्स मान करके स्क्रीन पर हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों सोर्स के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है, तब हम सुपर पोजिशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेनेल क्राइटेरिया जो होता है उसमें सोर्स ऑब्स्टेकल से भी पास होता है और ऑब्स्टेकल से स्क्रीन भी पास होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें डिफ्रैक्शन का पैटर्न कैसा आएगा और मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पर आएगा, ये निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो दूसरा क्राइटेरिया कहलाता है, वो कहलाता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग फ्रॉन, ठीक है, होफर, मुझे स्पेलिंग याद नहीं है, पता नहीं सही, शायद फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसी को हम लोग फार फील्ड डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, फार फील्ड डिफ्रैक्शन। फार फील्ड डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फार फील्ड डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर, ठीक है, अगर हमारे सोर्स से ऑब्स्टेकल बहुत दूर है, ठीक है, सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मान लो ये हमारा ऑब्स्टेकल है, तो जो सोर्स है वो बहुत दूर है, ठीक है, सोर्स यहाँ पास नहीं है, ये बहुत दूर है, तो सोर्स से जो लाइट रेज आएंगी ना हमारे ऑब्स्टेकल पे वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी, ठीक है, मतलब प्लेन वेव फ्रंट्स आकर के हमारे ऑब्स्टेकल को स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस ऑब्स्टेकल के जो सारे पॉइंट्स है ना सेम फेज में होंगे, और उसके बाद ऑब्स्टेकल से जो स्क्रीन है वो भी बहुत दूर है, स्क्रीन भी बहुत दूर है, ठीक है। तो अब ऑब्स्टेकल से जब ये लाइट रेज ट्रैवल करके स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है, तो वो भी हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट, इसी पॉइंट पर अगर जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट पैरेलल है, ये सारी लाइट पैरेलल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर कंडीशन का मतलब है कि डिफ्रैक्शन का वो केस जिसमें कि सोर्स और स्लिट, ठीक है, सोर्स ऑब्स्टेकल, ठीक है, एंड ऑब्स्टेकल स्क्रीन डिस्टेंसेस आर वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। तो हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर कंडीशन में ही डिस्कस करने जा रहे हैं, ये फ्रेनेल कंडीशन में डिफ्रैक्शन का पैटर्न और इंटेंसिटी ये हमारे स्कोप में नहीं है, हमारे स्कोप के बाहर है, ठीक है, हम इंटरेस्टेड नहीं, हम पहले सिंपल केस डिस्कस करना चाहते हैं, फ्रॉनहोफर कंडीशन में पता लगाना चाहते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल स्लिट सेटअप फ्रॉनहोफर कंडीशन में दिया गया है तो फिर डिफ्रैक्शन का पैटर्न कैसा आएगा, इंटेंसिटीज क्या क्या होगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो हमारे पास ये सिंगल स्लिट पैटर्न है, ये हमारा सिंगल स्लिट है,
इसको जानबूझ करके मैं थोड़ा लार्ज ड्रॉ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ये हमारा सिंगल स्लिट है, इसके पीछे कहीं बहुत दूर एक सोर्स रखा गया है जिससे लाइट रे स्लिट पर पहुंच रही है, लेकिन वो ऑलमोस्ट पैरेलल है, जिसका मतलब है कि हमारे सिंगल स्लिट पे जो वेव फ्रंट्स है वो कुछ इस तरह की है, बिल्कुल प्लैनर वेव की फॉर्म में। ठीक है, और क्या, और इसके बाद जो स्क्रीन है ना वो भी बहुत दूर है। ठीक है, तो वो स्क्रीन भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो वो जस्टिस नहीं होगा, मतलब डायग्राम एक्चुअल कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, तो मैं यहाँ पर भी रिलाई कर रहा हूँ कम्प्लीटली तुम्हारी इमेजिनेशन पर। तुम इमेजिन करना है कि जो स्क्रीन है वो पास में बहुत ही दूर है, ठीक है, इतना दूर चला गया वो बोर्ड में नहीं आ रहा है, स्क्रीन बहुत दूर है। ठीक है, स्क्रीन बहुत दूर है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन में सबसे पहली चीज, बिल्कुल जैसे डबल स्लिट सेटअप में जो हमारा सीक्वेंस था वैसे ही सिंगल स्लिट के लिए भी हम पता करेंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि स्क्रीन पर मैक्सिमा की मिनिमा की पोजीशंस कहाँ कहाँ पर आए। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ पर आएगा पहले तो ये पता करना है। ठीक है, सिंगल स्लिट सॉरी डबल स्लिट में ये बहुत आसान था, सिंगल स्लिट में कोशिश करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा आएगा और कहाँ कहाँ पर मिनिमा आएगा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशंस हम पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद पोजीशन पता चली, उसके बाद हम ये भी पता लगाना चाहते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी और हर जगह पर इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। ठीक है, ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पोजीशंस यहाँ पे लिख देता हूँ, पोजीशंस ऑफ रिजल्ट तो मैं एक बार में लिख दूंगा और तुम शायद अप्लाई करो, लेकिन इसको समझना, समझने में ठीक ठाक टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, अच्छे से समझोगे, फुल्ली अप्रिशिएट करोगे टॉपिक को, सब्जेक्ट को, उसके बाद फिर अप्लाई करोगे तो तुम्हें कभी, ठीक है, याद रखने में भी परेशानी नहीं होगी। पोजीशंस ऑफ इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है, तो क्योंकि ये स्लिट सोर्स से बहुत दूर है तो हम अज्यूम करें कि प्लैनर वेव फ्रंट्स यहाँ स्लिट पर पहुंच गई हैं, और इस स्लिट के ऊपर हर एक पॉइंट जो है ये कोहेरेंट सोर्स की तरह ट्रीट होगा। ये सारे पॉइंट जो है ना, ये सारे पॉइंट्स कोहेरेंट सोर्स की तरह ट्रीट होंगे। ठीक है, अब इन सारे सोर्सेस से लाइट वेव ट्रेवल करके स्क्रीन पर पहुंचेगी, तो हमें पता लगाना है कि कहां पर ये सारे सोर्सेस जो है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, कहां पे मैक्सिमा बनेगा, और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, कहां कहां पर मिनिमा बनेगा। ये ऑब्वियस है, कॉमन सेंस से तुम बता सकते हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ सकता जहां पे सारे पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज जो है ना कंटिन्यूसली वैरी कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमा आ सकता है, मैक्सिमा से मैं एक मैक्सिमा आने का मतलब है कि उस पॉइंट की जो इंटेंसिटी है उसके आस पास वाले पॉइंट्स की इंटेंसिटी से ज्यादा हो गई है। ठीक है, लेकिन सारे सोर्सेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे ऐसा किसी भी पॉइंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमा बताना तो थोड़ा डिफिकल्ट है कि उसके लिए हमें ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा पता चलता है कि हालांकि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये इतना सिंपल केस नहीं है, यहाँ पे सोर्सेज बिल्कुल कंटिन्यूसली स्प्रेड है, और ऐसे सोर्सेज की वजह से पोजिशन निकालना, पार्ट डिफरेंस निकाला, फेज डिफरेंस निकाला, ये तो डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा पता चलता है हमें कि एक बहुत ही सिंपल इंजीनियस सी टेक्निक यूज करके, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक यूज करके हम आसानी से सिंगल स्लिट सेटअप के लिए भी बता सकते हैं कि एग्जैक्टली मिनिमा किन किन पॉइंट्स पर आएगा।
कि मैक्सिमा नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमा कहाँ कहाँ पर आएगा, मतलब सारे सारे सोर्सेज जो है ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें आपस में, ओवरऑल सारे सोर्सेज कैंसिल आउट हो जाए, मिनिमा कहाँ कहाँ पर आएगा वो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ट्रिक है जैसे हम मिनिमा का पता लगाते हैं, ठीक है। ठीक, मिनिमा कहाँ पर आएगा हम पता लगाना चाहते हैं, तो लेट अस से मान लो तुम लोग कि स्क्रीन पे किसी थीटा एंगुलर पोजीशन पर ठीक है मिनिमा आ रहा है, थीटा एंगुलर पोजीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो थीटा एंगुलर पोजीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो डिस्कस कर रहे, ठीक है। हम थीटा एंगुलर पोजीशन वाले पॉइंट पर ठीक है रिजल्टेंट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ये जो पहला वाला सोर्स है ठीक है वहां से लाइट वेव यूं इस तरह से, ये जो लाइट वेव है ना इसको थीटा एंगल पर बनाया है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम ये पॉइंट समझ रहे हो कि स्क्रीन पर थीटा एंगल वाले पॉइंट पर पहुंचने के लिए इन सारे सोर्सेज से लाइट वेव बिल्कुल थीटा एंगल पर ट्रैवल करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है तो ये सारी लाइट रेज इन सारे सोर्सेज से जो लाइट रेज होंगी वो पैरेलल होंगी और वो थीटा एंगल पर होंगी, ये पहली लाइट रे हो गई, ठीक है, और इसके बाद ये दूसरे सोर्स से लाइट रे हो गई, हालांकि ये भी ट्रू पिक्चर नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने फिक्स सेट ऑफ ठीक है यहाँ पे सोर्सेज ड्रॉ किए, लेकिन यहाँ पे सोर्सेज इनफाइनाइट, लेकिन समझने के लिए इतना काफी होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये सोर्सेज हैं कि इनसे लाइट रेस कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रही है, और दो है ना, दो को और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सारी लाइट रेज जो है थीटा एंगल पर ट्रैवल कर, ठीक है, ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है। अब ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट की पॉइंट है, मैं कह रहा हूं कि अगर हम चाहते हैं कि इस थीटा एंगुलर पोजीशन वाले पॉइंट पर ये सारे सोर्सेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, तो उसके लिए मैं कंडीशन बता रहा हूं, उसके लिए कंडीशन बता रहा हूं कि ये जो पहला वाला पॉइंट है बिल्कुल ये जो स्लिट है ना उस स्लिट के एज के साथ जो पहला वाला पॉइंट आया और इस स्लिट का बिल्कुल जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मैं किन किन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहला वाला पॉइंट और बाद वाला पॉइंट, अच्छा एक मिनट ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मान लो किसी दो पॉइंट के बीच में तुम्हें पाथ डिफरेंस निकालने को कहा जाए तो यहाँ पर निकाल सकते हो, स्लिट विड्थ को मैं डी अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मान लो ये पहला वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इन दोनों सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्या करते हो कि इन दोनों मैं सिर्फ ये फर्स्ट और लास्ट लाइट वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ठीक है परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, लास्ट वाली लाइट रे पर, और ज्योमेट्री यूज करके ये एंगल बिल्कुल थीटा होगा, तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो ऑब्वियसली कितना होगा, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली कितनी होगी, ये वैल्यू होगी डी साइन थीटा के ऊपर, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सोचते हैं कि क्या होगी, ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि मान लो थीटा एंगल पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि थीटा एंगल वाले पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? ठीक है, मैं कंडीशन बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर फर्स्ट वाला सोर्स जो कि स्लिट के जस्ट बाद आ रहा है और बिल्कुल इस स्लिट के बिल्कुल बीच में जो सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों सोर्सेस, यहाँ पे ये दोनों लाइट वेव्स यहाँ पर फिनिश नहीं हो रही, ये बिल्कुल स्क्रीन तक जा रही है जो कि बहुत दूर है, इसलिए मैं इसको डॉट लिखता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्लेम ये है कि अगर फर्स्ट वाला सोर्स और बिल्कुल सेंटर वाला जो सोर्स है, ये दोनों पॉइंट्स अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो पूरी स्लिट ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी और हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा, ये सारे सोर्सेज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर हम मेक श्योर करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट और सेंटर वाला पॉइंट ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है। कैसे, एक्सप्लेन करो। अगर फर्स्ट पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ गए, मतलब सारे पॉइंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग अश्योर कर देते हैं कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का आ गया। अच्छा, तुम्हें पता है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है तो फेज डिफरेंस 180 का होता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होता है तो फेज डिफरेंस, सॉरी, पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है तो फेज डिफरेंस 2π का होता है। ठीक है, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होगा तब फेज डिफरेंस 180 का होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये तुम लोगों को पता है, ये कंस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव, ये तुम पहले से जानते हो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर हम मेक श्योर करते हैं कि पहले वाले सोर्स और मिड पॉइंट वाले सोर्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है, इन दोनों सोर्सेज के बीच में फेज डिफरेंस 180 का आ जाता है और ये दोनों सोर्सेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो सारे पॉइंट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। उसका रीजन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट और मिड पॉइंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। अब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट के जस्ट बाद वाले पॉइंट के बारे में सोचो, बिल्कुल वैसा ही एक पॉइंट मिड पॉइंट के जस्ट बाद वाला जस्ट बाद होगा। अगर फर्स्ट और मिड पॉइंट ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो इतना ही पार्ट डिफरेंस तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में भी है, ये दोनों पॉइंट भी बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं और वैसा ही एक पॉइंट इसके नीचे भी रहेगा और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी पार्ट डिफरेंस उतना ही होगा जितना कि फर्स्ट और सेंटर के बीच में, ये दोनों पॉइंट्स भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। इन इफेक्ट हम बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो ऊपर वाले हाफ के सारे पॉइंट्स नीचे वाले हाफ के सारे पॉइंट्स के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, सारे सोर्सेज सारे लाइट वेव्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और हमें बिल्कुल डार्क पॉइंट मिलेगा वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी जो कि जीरो होगी क्योंकि ये सारे आइडेंटिकल सोर्सेज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेंटर को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे? फर्स्ट और सेंटर के बीच में पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होगा? ये हमें पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये तो डी बाई टू है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है ये वाली डिस्टेंस, ये हम लिख सकते हैं इसको मैं हटा देता हूँ फिगर से, इन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो लिखेंगे डी बाई टू क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डी बाई टू है तो राइट ट्रायंगल में देख करके बता सकते हो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो डी बाई टू साइन थीटा होगी। चेक करो, हम बोलेंगे फर्स्ट और सेंटर वाला पॉइंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा अगर इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू के इक्वल हो जाए, डी बाई टू साइन थीटा
ये वैल्यू लैम्डा बाई टू के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये जो मिनिमम वाली पोजीशन है वो कहाँ पर आएगी, तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, तुम लिखोगे साइन थीटा की वैल्यू टू टू कैंसिल हो जाएगा, वो लैम्डा अपॉइंट डी पर, यानी कि ये वो पोजीशन है जहां पर हमें बिल्कुल मिनिमा मिलेगा, लैम्डा बाई डी पर हमें मिनिमा मिलेगा, ठीक है। अब तुम सोचोगे मतलब ये सेंट्रल लाइन है उससे लैम्डा बाई टू पर, लैम्डा बाई डी एंगल पर यहाँ पे बिल्कुल मिनिमा मिलेगा, ठीक है। अगर हम इंटेंसिटी को प्लॉट करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल मिनिमा आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसके बाद वाला मिनिमा पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, तो तुम बोलोगे कि हम अगर अश्योर कर सकते हैं कि फर्स्ट और मिड पॉइंट के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इसके बाद वाला जो मिनिमा आना चाहिए थ्री लैम्डा बाई टू पर आना चाहिए, कि लैम्डा बाई टू का ऑड मल्टीपल होगा पार्ट डिफरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मिनिमा आएगा। तो नेक्स्ट मिनिमा तुम सोच रहे होगे कि थ्री लैम्डा बाई टू पर आना चाहिए, तो इसको देख करिए तुम्हें लगेगा जो नेक्स्ट मिनिमा आएगा वो लैम्डा बाई थ्री के बाद जो नेक्स्ट मिनिमा तुम गेस कर रहे हो वो थ्री लैम्डा बाई टू पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा पता चलता है कि इससे पहले ही अगला मिनिमा आ जाता है। वो अगला मिनिमा कहाँ पर आता है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कि फर्स्ट मिनिमा तो लैम्डा बाई डी पर आ रहा है, सेकेंड मिनिमा कहाँ पर आ रहा है उसके लिए सेम ट्रिक हम दोबारा अप्लाई करें, लेकिन इस बार ट्रिक कैसे अप्लाई करें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सारी सिचुएशन फिर से मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली एक बार तो और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ो ना, इसको छोड़ो, ये फर्स्ट पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि स्लिट को ना पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ वाले सारे पॉइंट सेकेंड हाफ के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ रहे थे, सारे लाइट वेव्स कैंसिल हो जा रहे थे, मिनिमम मिल रहा था। अब मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट हाफ है ना इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करो, और मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट और ये 1/4 पर जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पॉइंट अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो हमें दोबारा मिनिमा मिलेगा, ठीक। क्योंकि ये दोनों अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसके बाद वाले, इसके बाद वाले, इसके बाद वाले, इसके बाद वाले, मतलब ये सारे पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। दो पार्ट था मतलब एक स्लिट थी उसको दो पार्ट में पहले डिवाइड किया, अब इन दोनों को हाफ हाफ में कर दिया, ठीक है। तो हमें दोबारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर मिलेगा गेस कर सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट और ये डी बाई फोर वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू के इक्वल हो जाए तो हमें फिर से अगला मिनिमम मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो नेक्स्ट मिनिमा कहाँ पर मिलेगा, इसको थोड़ा समय सेटअप को थोड़ा सा, नेक्स्ट मिनिमा हमें कहाँ पर मिलेगा ये वो तुम सोच सकते हो कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इस बार लिखेंगे नेक्स्ट मिनिमा लिख रहा हूँ डी बाई फोर साइन थीटा, ये वैल्यू मतलब 1/4 वाले इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ जाए, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू हो जाए, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये टू लैम्डा बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट मिनिमा हमें मिल रहा है, पहला मिनिमा मिल रहा है लैम्डा बाई डी पर, दूसरा मिनिमा मिल रहा है टू लैम्डा बाई डी पर, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, दो मिनिमा तो मैंने निकाल लिया, अब अगला मिनिमा तुम लोग भी कुछ करो, तुम लोग बताओ कि अगला मिनिमा कहाँ पर आए,
बताओ वह, तुम बताओ अगला महीना कहाँ पर आएगा, कैसे हम लोग को स्लेट को डिवाइड करना पड़ेगा। फोर, इसके बाद फोर आएगा, फोर तो आएगा ही, इसमें कोई शो मतलब कोई डाउट नहीं है कि फोर लैम्डा बाई डी पर एक मिनिमा आएगा, लेकिन टू और फोर के बीच में कोई मिनिमा नहीं होगा। अरे हमें करना बस ये है कि जो हमारा स्लिट है ना उसको हमें इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, ये दोनों कैंसिल कर रहे थे, फिर इन दोनों को कैंसिल किया, इन दोनों को कैंसिल किया, अब मैं कह रहा हूँ हमने हाफ किया पहले, उसके बाद 1/4 किया, अब 1/6, मतलब इसको क्या करते हैं ऐसे डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो ये कंप्लीट पार्ट कैंसिल हो जाएगा, अगर ये वाला पार्ट कैंसिल होगा बिल्कुल इसी तरह से ये वाला पार्ट और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d/6 है, ठीक है। इसके बाद फिर से तुम इवन मतलब हाफ करोगे, 1/4 करोगे, 1/6 करोगे, 1/8 करोगे, 1/10 करोगे, इस तरह से तुम डिवाइड करते जाओगे, ठीक है। इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर चार पार्ट में, फिर छह पार्ट में, फिर आठ पार्ट में, इस तरह से डिवाइड करते चले जाओगे और तुम्हें अगला मिनिमा मिलता चला जाएगा। और मिनिमा के लिए जो जनरल एक्सप्रेशन आएगा, मिनिमा की पोजीशन के लिए जो जनरल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तुम देख सकते हो कि मिनिमा की पोजीशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, एग्जैक्टली मिनिमा कहाँ कहाँ पर आ रहा है हम बता सकते हैं। मिनिमा की पोजीशन आ रही है साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन डी, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला मिनिमा, 2 रखेंगे तो दूसरा मिनिमा, 3 रखेंगे तीसरा मिनिमा, हर मिनिमा कहाँ कहाँ पर आ रहा है वो हम यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करने वाली है, यहाँ पे एन जो है ना वो इंटीजर्स है लेकिन अनइक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो पर तो मैक्सिमा आ रहा है, वो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पार्ट है, सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा, ठीक है, एन लैम्डा बाई डी पर, ठीक है, लैम्डा बाई डी के इंटीग्रल मल्टीपल पर हमें हमेशा नेक्स्ट मिनिमा मिलता जा रहा है, ठीक है। तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि मिनिमा कहाँ कहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत अब हम इस पोजीशन में कि स्क्रीन पर जो पैटर्न है वो कैसा आना चाहिए, या एक काम करते हैं ये कंपेयर करें क्या दोनों को, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट को, ताकि रिजल्ट तुम्हें याद रहे, ठीक है। बनाना नहीं चाह रहा हूँ फिर से, चलो इसको ये छोड़ो, उसको मैं अलग से इसमें पैटर्न ड्रॉ करता हूँ। हाँ तो हमारे पास ये सिंगल स्लिट है सर। हाँ सर, अगर इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, हाँ, तब जो दूसरा वाला होगा ना सर, मतलब दूसरा पार्ट जो अगर हम ऊपर हाँ, से आएंगे, हाँ सर, वो डिस्ट्रक्टिव वो नहीं आएगा ना, वो तुम्हारे हिसाब से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें। तुम पहले इस वाले पार्ट के लिए बताओ कि इसको पहला वाला जो सोर्स है यहाँ से और इसके बीच में ये वाला, ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगा दी, कि इन दोनों के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगा दी, तो इसके बाद वाले, इसके बाद वाले, इसके बाद वाले, इसके बाद वाले, तो ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल आउट होंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, क्योंकि सोर्स बहुत दूर है, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसके बाद वाला जो सेक्शन है इसके लिए भी तो हम बोलेंगे ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में जितना पार्ट डिफरेंस होगा उतना ही पार्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, ये दोनों लाइट वेव भी 100% डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, अगर ये दोनों पार्ट्स डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों सोर्सेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और ये दोनों सोर्सेज अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो सेकेंड वाले पोर्शन का, मिडिल वाले सेक्शन का
ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाए, और यही स्टोरी इसके बाद वाले सेक्शन की, हर एक सेक्शन में यही स्टोरी रिपीट होगी क्योंकि सोर्स बहुत दूर है तो पैरेलल लाइट रेज ट्रैवल करेंगे। हाँ बताओ। सर जो मिडल वाला सेक्शन है ना, हाँ और जो टॉप का बॉटम है सर, वो ऑलरेडी उसके साथ डायरेक्ट इंटरफेरेंस उसने किया होगा ना? अरे नहीं देखो तो यहाँ पे सारे सोर्सेज है ठीक है, और हमें स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए इन सारे सोर्सेज को ऐड करना, सबको ऐड करना। अब ऐड करने के लिए मेरी मर्जी है ना कि मैं पहले मैं इन दोनों को ऐड करके इन दोनों के रिजल्टेंट को नेक्स्ट टू के रिजल्टेंट के साथ ऐड करूँ, या मेरी मर्जी है मैं पहले इन दोनों को ऐड करूँ उसके बाद इन दोनों को ऐड करूँ फिर इन दोनों के रिजल्टेंट को ऐड करूँ। ऐड कैसे करना है वो तो एसोसिएटिव है, तो मैं इन सारे फेजेस को अपनी मर्जी से ऐड कर सकता हूँ, किसी को भी पहले ऐड कर सकता हूँ, किसी को भी बाद में ऐड कर सकता हूँ। मुझे पता है कि अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर जीरो हो गए, तो इसके बीच वाला भी जीरो हो गया, इसके बीच वाले भी ये सब जीरो हो गए, तो जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा ना, ओवरऑल रिजल्टेंट जीरो होगा। ये तो तुम्हें पता है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी, तो तुम सीक्वेंस में ऐड करना जरूरी थोड़ी है, तुम अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, सुइटेबिलिटी के हिसाब से ए और सी को पहले ऐड कर सकते हो, अगर ज्यादा आसान हो तो फिर बी को ऐड कर सकते हो, तो वही यहाँ पर करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको ऐड करना अल्टीमेटली। हाँ तो ओवरऑल पैटर्न कैसा होगा अब हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा स्लिट है ठीक है, और ये सेंट्रल लाइन है, इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि हमारी सेंट्रल लाइन है, और हमारा ये स्क्रीन है, स्क्रीन कुछ इस तरह से ठीक है। तो मान लो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है, स्लिट विड्थ जो है वो है स्मॉल डी की, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल डी। अगर मान लो ये डबल स्लिट सेटअप होता स्मॉल डी डिस्टेंस अपार्ट ठीक है, तो हमें पता था कि मैक्सिमा जो आएगा ना वो लैम्डा बाई डी के एन लैम्डा बाई डी पर मैक्सिमा आता था डबल स्लिट पे, तुम्हें याद होना चाहिए मैक्सिमा की कंडीशन एन लैम्डा अपॉन डी एंगुलर पोजिशन बोला, और एन माइनस हाफ लैम्डा बाई डी ये मिनिमा की एंगुलर पोजिशन होती थी ठीक है। तो लैम्डा बाई डी के इंटीग्रल मल्टीपल पर डबल स्लिट पे मैक्सिमा आता था, तो डबल स्लिट का जो पैटर्न था वो मैं यहाँ पे चलो आसानी के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है, ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो। चलो ये हमारा पहला मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसा डबल स्लिट का ठीक है पैटर्न आता है ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा और उसका इसके बाद वाला उसका सारी फ्रिंजेस की विड्थ बिल्कुल सेम, मिनिमा की पोजीशन जो सॉरी मैक्सिमा की जो पोजीशन यहाँ पर मैक्सिमा आता था ये लैम्डा बाई डी है ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है और नेक्स्ट मैक्सिमा आता था टू लैम्डा बाई डी पर, इनको थोड़ा क्लियर, ये लैम्डा बाई डी है और ये टू लैम्डा बाई डी, ये याद है ना सबको, ये भूलना नहीं है ठीक है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का रिजल्ट आ रहा है कि सेंटर पर तो मैक्सिमा बनेगा लेकिन इसके बाद लैम्डा बाई डी के इंटीग्रल मल्टीपल पर हमेशा मिनिमा बनेगा, तो ओवरऑल जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है उसका अगर हम रफ स्केच ड्रॉ करें तो यहाँ पर तो मैक्सिमा आएगा ठीक है, लेकिन इसके बाद जो अगला मिनिमा आएगा ना वो लैम्डा बाई डी पर आ जाएगा ठीक है, उसके बाद जो अगला मिनिमा आएगा वो कुछ टू लैम्डा बाई डी पर आएगा, उसके बाद जो अगला मिनिमा आएगा वो थ्री लैम्डा बाई डी पर आएगा ठीक है, और उसी तरह से नीचे भी जहां पर पहला मैक्सिमा आ रहा था वहां पे सिंगल स्लिट के लिए पहला मिनिमा आ जाता है ठीक है, उसके बाद का मिनिमा वो टू लैम्डा बाई डी पर, नेक्स्ट मिनिमा थ्री लैम्डा बाई डी पर, और कुछ इस टाइप का पैटर्न
ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की वजह से आता है, ये डिफ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए मैंने बैकग्राउंड में डबल स्लिट का भी के लिए भी इंटेंसिटी का पैटर्न बनाया है। लेकिन अब तुम यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे भी अगर तुम किसी फ्रिंज, अगर तुम फ्रिंज वेग्स कैलकुलेट करोगे तो फ्रिंज वेग्स की वैल्यू तुम यहाँ पर भी देख सकते हो कि चलो इसको यहाँ पे और आगे, ये 3λd है, किसी भी दो मिनिमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है कि वो यहाँ पर भी λd के इक्वल है। ठीक है, इसको हम लोग एंगुलर फ्रिंज वेग्स बोलेंगे। एंगुलर फ्रिंज वेग पता है तो ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम लीनियर फ्रिंज वेग हमेशा निकाल सकते हैं। एनीवे तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ पर भी λd है, λd है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मिनिमा का जो पैटर्न आएगा वो कुछ फ्रिंजेस उसी तरह से आ रही है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि अगर तुम फर्स्ट मैक्सिमा का साइज देखोगे, सेकेंड मैक्सिमा का साइज देखोगे, थर्ड मैक्सिमा का साइज देखोगे, उसी तरह से फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, इनका जो साइज है वो तो λd के इक्वल है, लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना वो अकेला ऐसा मैक्सिमा रीजन है जिसकी विड्थ जो है वो बाकी सारे मैक्सिमा के कंपेरिजन में डबल है। सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो एक्चुअली 2λd के इक्वल है, और बाकी सारी वेट तो λd है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा डबल वेट का है। ठीक है, इसमें स्क्रीन पर जो एक्चुअल इंटेंसिटी पैटर्न होता वो कुछ, उसको अगर हम रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो रफ स्केच कुछ यूं आ सकती है। मैं उसको ये ट्राई करता हूँ थोड़ी रफ स्केच ड्रॉ करने की, कि पैटर्न यहाँ तक मैक्सिमा आएगा, पहला मैक्सिमा यहाँ तक आएगा इस तरह से, उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमा यहाँ पर, इसके बाद वाले मैक्सिमा तो सारे λd के, लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो, इसको डार्क भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि मिनिमा कहाँ कहाँ पर है वो भी यहाँ पे पता चले, कुछ इस टाइप का पैटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करने के लिए दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये फिगर बहुत अच्छे से नहीं बनाया मैंने, लेकिन ये थोड़ा समझाना था पर्पस, इसीलिए मैं थोड़ा रफ पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक चीज तो फ्रिंज वेट के बारे में पता चली, फ्रिंज वेट सेम रहती है एक्सेप्ट कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी फ्रिंज वेट डबल होती है। ठीक है, और वो λd के इक्वल होती है, कि सेंटर की 2λd और बाकी सारी फ्रिंज वेट, बाकी सारी एंगुलर फ्रिंज वेट्स λd के इक्वल होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया कि इंटेंसिटी का वेरिएशन सिंगल स्लिट में तो बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर होता है, हर एक मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती है, लेकिन ऐसा पता चलता है कि डिफ्रैक्शन के केस में हर एक मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं होती है। जैसे जैसे हम सेंटर से अवे चलते जाते हैं मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी डिक्रीज करते जाती है। तो अगर हम प्रॉपरली इसको ड्रॉ करते हैं ना तो यहाँ पे बहुत ही ब्राइट इमेज बनती और इसके बाद वाले सारे रीजन्स में इंटेंसिटी, इसके बाद वाले सारे रीजन्स में जो इंटेंसिटी इतनी ब्राइट नहीं होती जितनी कि यहाँ पे सेंटर पे ब्राइटनेस होगी। सेंटर पे ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, उसके बाद ब्राइटनेस धीरे धीरे ऐसे करके डिक्रीज करेगी, ठीक है। मैं कैसे बनाऊंगी समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से ब्राइटनेस धीरे धीरे डिक्रीज करेगी और आगे जाएंगे तो ब्राइटनेस बिल्कुल ऐसे डिक्रीज करेगी। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है, बाकी सारी जगह पर जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा डिम हो जाती है, और यही फिगर मैंने शायद तुम लोगों को यहाँ पे दिखाया। तुम देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है 2λd के इक्वल, एंगुलर वेट कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये बिल्कुल बीच से हम मेजर करें, और इसके अलावा कोई भी वेट हम अगर मेजर करें वो λd के इक्वल, इसको तुम केयरफुली देख सकते हो। और तुम ये भी नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे सेंटर की जो इंटेंसिटी है ना, सेंटर की इंटेंसिटी तो सबसे ज्यादा है, ये सबसे ब्राइट है, और जैसे जैसे हम दूर चल रहे हैं ब्राइटनेस भी डिक्रीज होती जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगला पॉइंट कि हर जगह पर इंटेंसिटी का पैटर्न, मतलब इंटेंसिटी की वैल्यूज कितनी कितनी आती है। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ सारी क्लासेस में, अगर नीट की है तो उसमें इंटेंसिटी कैसे आ रही है वो मैं डिराइव नहीं करता हूँ। तुम्हारे स्कोप में है, तुम डिराइव कर सकते हो, डेरिवेशन समझ सकते हो थोड़ा, मतलब बहुत सिंपल तो नहीं है लेकिन इतना है कि तुम आसानी से इंटेंसिटी हर जगह पर कितनी आ रही है वो कैलकुलेट भी कर सकते हो बिल्कुल इस कंटिन्यूस रेंज ऑफ सोर्सेज के लिए, जो कि तुम्हें अभी तो नहीं लग रहा होगा कि कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन इस कंटिन्यूस रेंज ऑफ सोर्सेज के लिए भी तुम सुपरपोजिशन अप्लाई करके फाइनल इंटेंसिटी किसी भी जनरल पॉइंट पर एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो डेरिवेशन तुम लोग बोलोगे तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनली किसी भी जनरल पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, इंटेंसिटी का मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इंटेंसिटी का रिजल्ट लिखने से पहले थोड़ा तुम्हें इंटरफेरेंस के लिए जो इंटेंसिटी का रिजल्ट आया था वो याद दिला दूं। मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर फाइव अपॉइंट टू, इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा आ रहा है, कोसाइन स्क्वायर की तरह आ रहा है। ठीक, इस तरह से। और ये फाइव क्या है, फाइव भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फाइव की वैल्यू है टू पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स डी साइन थीटा। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसको पुट करके फाइनल वैल्यू लिख सकते हो, एक्सप्रेशन लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम चाहो तो ये इंटेंसिटी की कंप्लीट वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, अलग अलग एंगुलर पोजिशन पर इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी डबल स्लिट के लिए, वो कुछ इस तरह की आती है कॉस स्क्वायर और यहाँ पे टू कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो तुम मुझे एंगुलर पोजिशन बताओगे कि कहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है, वो एंगुलर पोजिशन यहाँ पे पुट करूंगा और उस पोजिशन पर इंटेंसिटी कितनी होगी डबल स्लिट सेटअप में कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंगल स्लिट के लिए इंटेंसिटी की जो वैल्यू आती है, मैं डबल स्लिट का रिजल्ट इसलिए साथ में रखा हूं ताकि तुम्हें याद रखना आसान हो। तो सिंगल स्लिट के लिए जो इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है उसको देखो, वो वैल्यू आती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, दो डिफरेंस आता है इंटेंसिटी के रिजल्ट में, एक तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाता है, साइन स्क्वायर फाइव बाई टू। ठीक है, और फाइव बाई टू जो है ना यहाँ पे जो एंगल है हमारा वो एंगल से डिवाइड भी होता है, स्क्वायर तो रहता है लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ये वाला आ जाता है और दूसरा कॉस की जगह साइन आ जाता है। ये फाइनल इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है सिंगल स्लिट सेटअप की। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, और यहाँ पे फाइव का मतलब सेम है। ठीक है, अच्छा ये फाइव क्या रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पे डबल स्लिट था और ये वाली डिस्टेंस डी थी, और इन दोनों, ठीक है, जो डबल स्लिट में जो दो सोर्सेज हैं, दो अलग अलग सोर्सेज हैं, इन दोनों सोर्सेज के बीच में फाइव फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट करता था। तो सिंगल स्लिट में तो इनफाइनाइट सोर्सेज है, तो सिंगल स्लिट में फाइव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल स्लिट में फाइव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सिंगल स्लिट के लिए फाइव रिप्रेजेंट करेगा, फाइव की वैल्यू तो वही है टू पाई बाई लैम्डा टाइम्स डी साइन थीटा, लेकिन डी साइन थीटा सिंगल स्लिट के लिए क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस डी है तो सिंगल स्लिट के लिए डी साइन थीटा का मतलब होगा कि उस सिंगल स्लिट का टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट, ठीक है, टॉप पॉइंट फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस वो फाइव है। इसके टर्म्स में रिजल्ट आता है कि इंटेंसिटी की वैल्यू किसी भी जनरल पोजीशन पर सिंगल स्लिट के लिए कुछ ऐसे आती है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तुम, यहाँ पे फाइव बाई टू है, यहाँ पे भी फाइव बाई टू है ऊपर नीचे। ठीक है, तो पहले हमें पहले पोजीशन दी जाएगी, उससे फाइव निकालेंगे और फाइव के अकॉर्डिंग उसका साइन लेंगे, एंगल से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और तब जा कर के हमें फाइनल इंटेंसिटी किसी भी जनरल पॉइंट पर मिलेगी। और ये जो आई एम है ना, ये आई एम ये सिंगल स्लिट के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब इस इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को देख करके मैं दो चीजें कैलकुलेट,
सबसे पहले तो ओवरऑल इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा होगा, मतलब इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। ये कोसाइन स्क्वायर का तो ग्राफ तुम्हें पता है, वो इस तरह से होगा, ठीक है। सेम एम्पलीट्यूड का कोसाइन स्क्वायर इस तरह का ग्राफ होगा। तो इससे पता चलता है कि डबल स्लिट में सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होगी, ठीक है। तो उसी तरह से हम जानना चाहते हैं कि सिंगल स्लिट सेटअप में इंटेंसिटी का वेरिएशन स्क्रीन पे कैसा होगा, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन भी काफी पॉपुलर फंक्शन है, ठीक है। साइन थीटा का ग्राफ तुम्हें पता है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ पता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ पता है। लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन होता है, वो कहलाता है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, और सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, ये होता है साइन थीटा अपॉन थीटा। ये बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंस का फंक्शन, ये कई जगह पर आता है, कि तुमने तो पहली बार देखा है, ठीक है, लेकिन ये आगे कम्युनिकेशन में और बहुत जगह पर, ये कई जगह पर ये वाला फंक्शन आता है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, इसको हम प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। इसको थीटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, एक्स के टर्म्स में लिखता हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब एंगल, अगर हम साइन में एंगल को डिवाइड कर देंगे तो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तुम लोग गेस कर सकते हो क्या, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि शेप कैसी होनी चाहिए। ये x है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे साइन थीटा हम प्लॉट करना चाहते हैं, चलो यही पे, ठीक है। तो पहले तो साइन साइन x प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लो साइन x का ग्राफ कैसा होगा, प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ही रखते हैं क्योंकि दोनों साइड प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये पॉइंट मान लो वन है, ये माइनस वन है, तो साइन थीटा का ग्राफ तो तुम्हें पता ही है, ये टू पाई, एंगल जब टू पाई होगा, इसको पाई रहने देता हूँ, ये मान लो पाई है और ये टू पाई है, तो शेप कैसी होगी जरा बताओ। साइन थीटा है तो साइन थीटा ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये तो सबको पता है, तुम लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो, कुछ ऐसी शेप होगी, और कुछ ऐसी शेप होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, और ऐसा ही कुछ इधर भी होगा, प्लस वन माइनस वन के बीच में ग्राफ कुछ एक साइकिल दो साइकिल, और ये दूसरी साइड भी ऐसे एक्सटेंड करेगा, ये माइनस पाई है, जो सबको पता है, ये साइन थीटा का ग्राफ। कि अभी के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसको इग्नोर करते हैं, और सिर्फ सोचते हैं इस फंक्शन का की शेप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कैसी होगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, उसमें से एक्स को डिवाइड करते जाना। तो तुम सोच सकते हो कि अभी ये बिल्कुल इधर वाला जो रीजन है ना, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, ओवरऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, मतलब ओवरऑल कंप्लीट एक्स एक्सिस पर सोचो कि ग्राफ की शेप कैसे मॉडिफाई होगी एक्स से डिवाइड करने के बाद। तुम इस तरह से सोच सकते हो कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में आगे ट्रेवल करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर तो हमेशा इंक्रीज ही करता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे ट्रेवल करेंगे, एक्स एक्सिस में आगे ट्रेवल करेंगे, तो डिनोमिनेटर तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है साइन थीटा की जो भी वैल्यू है ना, अगर हम एक्स एक्सिस में आगे चलेंगे, तो ओवरऑल सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्स में आगे ट्रेवल करेंगे, ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करती जाएगी, लेकिन ऐसा हम तब कह सकते हैं जब एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा है, जब एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा है, ठीक है। तो ये पाई का मतलब 3.14, और ये पाई बाई टू का मतलब है 1.57, मतलब इस रीजन के आगे अगर हम जाते हैं, रफली 1.57 है, तो इस रीजन के आगे अगर हम ट्रैवल करेंगे, तो जो भी वैल्यू तुम्हें यहाँ पर दिख रही है ना साइन एक्स की,
एक्स से डिवाइड होने के बाद ये इससे वैल्यू कम ही होती जाएगी। तो ओवरऑल शेप कैसी होगी जरा गेस कर सकते हो, ओवरऑल शेप कैसी होगी? देखो साइन में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम ग्राफ देखेंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो साइन एक्स का जो साइन एक्स का जो साइन होगा वही सिग्नम फंक्शन का भी साइन होगा। ठीक है, जहां पे साइन एक्स पॉजिटिव है वहां पे ये कंप्लीट फंक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जहां पे साइन एक्स नेगेटिव है वहां पे कंप्लीट फंक्शन नेगेटिव होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एक्स पढ़ाएंगे ना तो साइन एक्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। तो ओवरऑल शेप तुम गेस कर सकते हो, मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोग अगर अग्री नहीं करोगे तो मुझे बताना। अच्छा हाँ, जहां पे जीरो होगा साइन एक्स वहां पे तो ओवरऑल ये फंक्शन जीरो होगा 100%। एक्स कुछ भी रहे साइन एक्स जहां जहां पर जीरो है वहां पे फंक्शन जीरो, तो यहाँ पे फंक्शन जीरो होगा, यहाँ पे फंक्शन जीरो होगा, यहाँ पे फंक्शन जीरो होगा, इन सारे पॉइंट्स पर ये सिग्नम फंक्शन जीरो होगा, ठीक है। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो तुम गेस कर सकते हो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ठीक है धीरे धीरे इंक्रीज करिए तो यहाँ पे वैल्यू तुम सोच सकते हो कि ऐसे कुछ आएगी। लेकिन आगे आगे चलेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू है ना तुम गेस कर सकते हो, और डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करेगी, ठीक है, और डिक्रीज करेगी, और ओवरऑल जो शेप होगी तुम गेस कर सकते हो कि वो इस तरह से डिक्रीज करते चली जाएगी, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जब हम कम करते हैं तो कम करने पर क्या इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है, जब एक्स की वैल्यू जीरो चली जाती है तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि साइन एक्स की वैल्यू जीरो होती है जीरो पर, ठीक है, तो ओवरऑल ये फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि तुम केयरफुल नहीं हो, क्योंकि ये साइन एक्स अपॉन एक्स है। अगर सिर्फ साइन एक्स रहता तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पर ये फंक्शन जीरो हो जाता, लेकिन क्योंकि एक्स जो है ना, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में भी एक्स है और बहुत स्मॉल, जब हम एक्स की वैल्यू कम करते 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 जब हम एक्स की वैल्यू कम करते करते जीरो के पास आने लगेंगे तो उस टाइम में साइन एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल क्लोज होने लगेगी। तो ये फॉर स्मॉल एंगल ना साइन एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, और स्मॉल एंगल के लिए जब एक्स की वैल्यू कम करते जाएंगे तो उस टाइम में इस कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं, वो वन को अप्रोच करेगी। ठीक है, ये लिमिट कैलकुलस का थोड़ा इसमें कंसेप्ट ऐड हो रहा है, लेकिन ओवरऑल तुम थोड़ा तो अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू कम करेंगे, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब बहुत कम होने लगेगी ना तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में होने के ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इसकी जो शेप होती है ना, अब इसको मैं बना देता हूँ, इसकी जो ओवरऑल शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। सिग्नम इसको हटा देता हूँ, साइन थीटा साइन एक्स का ग्राफ हटा देता हूँ और सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बस रहने देता हूँ, ठीक है। जहां जहां पे साइन एक्स जीरो है, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि जहां जहां पर साइन एक्स जीरो है, ये इंपॉर्टेंट है, वही वही पर सिग्नम फंक्शन भी जीरो होगा, एक्सेप्ट यहाँ, एक्सेप्ट एक्स इक्वल जीरो, जीरो पर ये इस फंक्शन की वैल्यू वन के इक्वल हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जहां जहां पर साइन एक्स की वैल्यू जीरो है, कहाँ कहाँ पर, पाई पर, टू पाई पर, थ्री पाई पर, फोर पाई, इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो शेप है ना वो कुछ इस टाइप की होती है, ये और इसका जो एम्पलीट्यूड है ना डिक्रीज होता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इस फंक्शन का स्क्वायर कर दो, साइन एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दो तो शेप कैसी हो जाएगी, वो ऑब्वियस है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी कोई चेंज, मतलब ओवरऑल जो शेप है ना वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है, तो सिग्नम स्क्वायर का जो की जो शेप है अगर तुम प्लॉट करोगे तो इसको मैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, साइन स्क्वायर मतलब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ये क्लियर है सबको? ओके, तो सिग्नम पहले मैं जीरोस प्लॉट कर लेता हूँ, ये पाई है, ये टू पाई है, सी पाई है, पाई, टू पाई, सी पाई, फोर पाई, इसी तरह माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई। तो
तो ग्राफ की जो शेप है, ये वन है तो कुछ इस तरह से, 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 इस तरह से डिक्रीज करते जाते हैं। ये ग्राफ मैंने रफ स्केच ड्रॉ किया है, अब थोड़ा बहुत तुम गेस भी कर पा रहे हो ऐसा ऐसी शेप क्यों आती है। इस फंक्शन को प्लॉट किया तो ये पॉइंट जो होगा वन, जीरो पर इस फंक्शन की वैल्यू वन। ठीक, अब ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम कोई इसका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी फैक्टर से ये सारे वैल्यूज स्केल हो जाएंगे, लेकिन जीरो चेंज नहीं होंगे, ये फंक्शन जीरो वही वही पर होगा जहां पे साइन एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो अब तुम सिंगल स्लिट वाले रिजल्ट पर आ जाओ, और सिंगल स्लिट वाले रिजल्ट को देख करके तुम बता सकते हो कि सिंगल स्लिट के लिए जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो एज एक्सपेक्टेड वो साइनम फंक्शन की तरह वैरी कर रहा है, नॉट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, साइनसॉइडल स्क्वायर की तरह नहीं वैरी कर रहा है, साइनम स्क्वायर की तरह, सिग्नम स्क्वायर की तरह वैरी कर रहा है, और सिग्नम स्क्वायर का जो वेरिएशन होता है वो धीरे धीरे उसका डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, साइनसॉइडल स्क्वायर का एम्पलीट्यूड तो फिक्स रहता है जैसा डबल स्लिट में, लेकिन सिग्नम स्क्वायर का क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ये एंगल आ रहा है ना, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, फेज बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल इंटेंसिटी इस तरह से ये मैक्सिमम आएगी, फिर डिक्रीज ही करते जाएंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को अगर हम मैथमेटिकली प्लॉट करेंगे इस फंक्शन को, तो फंक्शन का जो रफ स्केच आएगा वो किस तरह का आएगा वो तुम अब गेस कर सकते हो। इस फंक्शन का रफ स्केच कैसा आएगा जरा प्लॉट करके बताओ। टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा हो गया क्या? अब मुझे ज्यादा से ज्यादा सारे मेन पॉइंट्स बता चुका हूँ कि मैं थोड़ा आराम आराम से बताता हूँ, ताकि क्लास करने के बाद तुम्हें अलग से कोई ऐसा नहीं लगे कि क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाए, कि अलग से ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं। कॉन्टेंट मेरा बहुत ही कम होता है कि तुम देख ही रहे होगे, बहुत ज्यादा स्टफ से तुम्हें लोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंटेंसिटी का वेरिएशन अगर हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो इंटेंसिटी का वेरिएशन यहाँ मैं एक्स एक्सिस पे थीटा प्लॉट करता हूँ एंगुलर पोजिशन, और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी प्लॉट करता हूँ। तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी तो पता है वो आई एम की इक्वल होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन है, तो ओवरऑल सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू आई एम, इसीलिए इसको मैंने आई एम लिखा भी है। तो ये कुछ आई एम, ये मान लो इंटेंसिटी है। इसके बाद मिनिमा कहाँ कहाँ पर आएगा, मतलब इंटेंसिटी जीरो कहाँ कहाँ पर होगी। वैसे तो हम लोगों ने मिनिमा की पोजीशन ऐसे ही ट्रिक से निकाल ली है, लेकिन अब तुम्हारे पास तो हर पोजीशन के लिए इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है ना, तुम इस इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को देख करके क्या ये नहीं बता सकते हो कि इंटेंसिटी एग्जैक्टली जीरो कहाँ कहाँ पर होगी, इंटेंसिटी जीरो कहाँ कहाँ पर होगी, मिनिमा कहाँ पर आएगा, वो इस फंक्शन को भी देख करके बता सकते हो। इंटेंसिटी जीरो वहीं पर आएगी जहां पर साइन फाइव बाई टू जीरो होगा, और साइन फाइव बाई टू जीरो कहां पर होगा, कहां पर, जहां पर फाइव बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, वो लिखेंगे एन पाई, यही लिखेंगे ना। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो फाइव बाई टू की वैल्यू एन बाई एन पाई होनी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर जीरो होता है, तो जहां जहां पर साइन जीरो होगा वहीं पर इंटेंसिटी जीरो होगी। ठीक है, तो चेक करते हैं कि इंटेंसिटी कहां कहां पर जीरो आ रही है। पाई बाई टू का मतलब है पाई बाई लैम्डा, ठीक है, डी साइन थीटा इक्वल्स एन पाई। ठीक है, तो ये पाई कैंसिल हो गया और हमें रिजल्ट आ रहा है एन डी, सॉरी एन लैम्डा अपॉन डी। ये वही रिजल्ट्स है मिनिमा के लिए जो कि हम लोगों ने अलग से अभी, ठीक है, गेस किए। ठीक है, लैम्डा बाई डी के इंटीग्रल मल्टीपल पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो, यही पॉइंट्स है मिनिमा वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो फंक्शन अगर हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो मिनिमा कहाँ कहाँ पर आ रहा है, किन किन एंगुलर पोजीशंस पर आ रहा है, ये
ये पहला मिनिमा है लैम्डा बाई डी पर, दूसरा मिनिमा है 2 लैम्डा बाई डी पर, तीसरा मिनिमा है 3 लैम्डा बाई डी पर, और ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। ये ज्यादा लोडेड हो गए तो बता देना, मैं इमिडिएटली बंद करके ठीक है चला जाऊंगा आराम करने, और फिर बाद में हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी डिफ्रैक्शन के कुछ पॉइंट्स बचे हैं, मेरी सजेशन है कि बस लास्ट पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ी देर में कंक्लूड करूँगा, तो तुम अच्छा होगा कि वो थोड़े पॉइंट्स सुन करके क्लास ओवर करो। अब डिफ्रैक्शन के भी सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो, 2 to 4 ये मान लो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो जो शेप होगी ठीक है साइनम का स्क्वायर की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से, कि इंटेंसिटी का वेरिएशन कुछ इस तरह का सिंगल स्लिट के लिए, ठीक है। और ये बिल्कुल एक नेग्लिजिबल इंटेंसिटी आती है आगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है आई एम की इक्वल है इंटेंसिटी इधर, और ये थीटा हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पे थीटा प्लॉट, ये इंटेंसिटी का ग्राफ होगा, ठीक है। जो हम गेस कर रहे थे ना इंटेंसिटी, कहाँ पर गेस कर रहे थे, हाँ यहाँ पे जो इंटेंसिटी गेस की थी वो इंटेंसिटी का पैटर्न, इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन से भी हमें पता चल रहा है कि इंटेंसिटी का पैटर्न कुछ इसी तरह का होगा, ठीक है। ये तो मिनिमा वाले पॉइंट से पता चल गया, और सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू आई एम है। हम लोग जानना चाहते हैं कि फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी और फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर आया होगा। तुम नोटिस करोगे कि अभी तक मैंने मैक्सिमा की पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, मिनिमा की पोजीशंस तो मैंने बता दी है, लेकिन मैक्सिमा की पोजीशंस कहाँ कहाँ पर आएंगी वो मैंने अभी तक मेंशन नहीं किए खुद से, ठीक है। हो सकता है तुम लोग ये गेस कर रहे होगे कि अरे मिनिमा की पोजीशन पता चल गई तो मैक्सिमा की पोजीशन बताने में क्या है, सेंटर पर तो मैक्सिमा है ही, इसके बाद का जो मैक्सिमा होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम लोग ऐसा गेस कर रहे होगे वो इसके बीच में होना चाहिए 1.5 लैम्डा बाई डी, इसके बीच में होना चाहिए 2.5 लैम्डा बाई डी, ठीक है यही गेस कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन मैं अश्योर करता हूँ कि ऐसा नहीं है, मतलब ये जो ग्राफ है ना वो उस तरह से सिमेट्रिकल नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, ये जो शेप है ना बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है, वो कुछ इस तरह से ऐसे करके टिल्टेड है ऐसे करके, ठीक है। तो बिल्कुल इसके बीच में दो मिनिमा के बिल्कुल बीच में कॉस स्क्वायर के लिए ऐसा कह सकते थे, कॉस स्क्वायर बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ है, ठीक है। तो जो दो मैक्सिमा के ठीक बीच में मिनिमा आएगा और दो मिनिमा के ठीक बीच में मैक्सिमा आएगा, लेकिन ये सिग्नम फंक्शन है और सिग्नम फंक्शन बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है, तो बिल्कुल दो मैक्सिमा के बीच में तुम सोच रहे होगे कि मैक्सिमा आएगा, ऐसा नहीं आता है प्रॉपरली हम कैलकुलेट कर, हाँ इनके पास आता है लेकिन बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स पर मैक्सिमा आता है ऐसा नहीं है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि मैक्सिमा कहाँ कहाँ पर आएंगे, और उन मैक्सिमा की उन मतलब फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा की इंटेंसिटीज कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन है कम्प्लीटली, ठीक है कहाँ गया, ये इंटेंसिटी का फंक्शन तो है ना हमारे पास, तो मैथमेटिकली हमें अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हर एक पोजीशन के लिए हर एक थीटा के लिए हमें इंटेंसिटी पता है, फंक्शन भी तुम्हारे सामने लिख दिया है, और पूछा जा रहा है कि मैक्सिमा कहाँ आएगा मैक्सिमा कितना आएगा, तो कैसे पता लगाओगे, कैलकुलस यूज करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके पता करोगे कि डी आई अपॉन डी थीटा कहाँ कहाँ पर जीरो आ रहा है, तो कुछ पोजिशन तो मिनिमम वाली आएंगे और बाकी पोजिशन जो है मैक्सिमा वाली पोजिशन आएंगी, तो मैक्सिमा कहाँ पर आएगा पता चल जाएगा, और वो वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो तुम्हें इन मैक्सिमा की वैल्यूज भी पता चल जाएंगी, ठीक है मैक्सिमा की वैल्यूज भी पता चल जाएंगी, तो वो मैक्सिमा कहाँ कहाँ पर आ रही है ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ, और इसको तुम्हें याद बिल्कुल नहीं रखना है और ये तुम्हें पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमा 1.5 लैम्डा बाई डी पर, ठीक इसके बीच में नहीं है ये सिंगल स्लिट सेटअप में, ठीक है। लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होती है ये पता होनी चाहिए, सेकेंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होती है ये पता होना चाहिए,
तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये तुम्हें हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन का से रिलेटेड फाइनल रिजल्ट जो जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, मिनिमा की पोजिशन कहाँ पर आती है, सेंट्रल मैक्सिमा की वेट कितनी है, और ठीक है, और क्या, हाँ मिनिमा कहाँ कहाँ पर आएंगे, ठीक, और वहां पर इंटेंसिटी कितनी कितनी होगी, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा पर तो इंटेंसिटी पता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट मैक्सिमा लिख रहा हूँ, मैक्सिमा की इंटेंसिटीज। तो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर आएगा, वो पोजीशन लिख दूं क्या, इसको डिफरेंशिएट करके तुम कैलकुलेट करना, 5/2 की वैल्यू आती है, तो ऐसे हमें लग रहा है कि ये 1.5 लैम्डा बाई डी पर, एक मिनट, 1.5 लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी, एक सेकेंड, 5/2 की वैल्यू हो गई पाई अपॉन लैम्डा डी साइन थीटा, इसकी वैल्यू पाई 2 पाई, 1.5 पाई, तो ऐसा लग रहा है कि पाई कैंसिल, 1.5, हाँ, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये जो 5/2 की वैल्यू है, ये वैल्यू 1.5 पाई पर आनी चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू 1.5 लैम्डा बाई डी, 5/2 की वैल्यू 1.5 पाई पर आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है 1 पॉइंट, ये तुम्हें डिफ्रेंशिएट करके कैलकुलेट, ये रिजल्ट याद नहीं रखना है बिल्कुल, चलो इसको मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ, ये रिजल्ट तुम्हें याद नहीं रखना है, 1.43 पाई पर आती है कुछ यहाँ पर, इस जगह पर, ये तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि वो थोड़ा इस तरफ ऐसे शिफ्टेड होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल मैंने थोड़ा बहुत प्रॉपरली नहीं ड्रॉ किया है, लेकिन तुम समझोगे कि ये ग्राफ कुछ ऐसा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे इस तरह का है, ठीक है। 1.43 पाई पर आता है पहला मैक्सिमा, ये याद नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है वो तुम्हें याद होनी चाहिए, और वो कितनी आती है, वो सरप्राइजिंग है, वो कितनी आती है पता है, 0.045 टाइम्स सेंट्रल मैक्सिमम। इसका मतलब समझ रहे हो कि सेंटर के कंपैरिजन में जो पहला मैक्सिमा है, ये फिगर भी बहुत एग्जैजरेटेड है, पहले मैक्सिमा की जो वैल्यू है वो अराउंड 5% ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा होती है, ठीक है, मतलब पहला मैक्सिमा और उसका 5%, मतलब ये दूसरे वाले इस मैक्सिमा में ना की इंटेंसिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी पहले के कंपेरिजन में, ये बहुत ही कम होगी। उसके बाद सेकेंड मैक्सिमा कहाँ पर आता है, सेकेंड मैक्सिमा आता है 5/2 की वैल्यू जब, 2.5 तुम सोच रहे होगे, वो एक्चुअली 2.45 पर आती है, तो ये 2.5 पर नहीं, 2.45 लैम्डा बाई डी पर वैल्यू आती है, और मैक्सिमा की वैल्यू कितनी होती है, तो वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो वैल्यू आती है 0.0162 मैक्सिमम वैल्यू। सेकेंड, पहले मैक्सिमा की वैल्यू रफली 5% और दूसरे मैक्सिमा की वैल्यू 1.6%, ये जो कि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, और जो थर्ड मैक्सिमा है, ये अगर तुम जानना चाहते हो, थर्ड मैक्सिमा के लिए 5/2 की वैल्यू आती है, कि वो इसको जाने दो, जो थर्ड मैक्सिमा की वैल्यू है, मैं ज्यादा डेटा नहीं देना चाहता, इसको भूल जाओ, ये दोनों वैसे तुम्हें थोड़ा बहुत याद है, 1.5 से थोड़ा पहले, 2.5 से थोड़ा पहले, ये उसी तरह 3.5 से थोड़ा पहले होना चाहिए, ये थोड़ा और पहले आ जाएगा, बस यही होगा, और इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, वो वैल्यू आती है 0.0083 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये वाली जो इंटेंसिटी है ना, ये 0.045 टाइम्स मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जो कि 4.5% के आसपास है, जो सेकेंड इंटेंसिटी है ये तो 1.6% के आसपास है, और थर्ड तो 0.0, ठीक है,
0.08 मतलब 1% से भी कम इंटेंसिटी हो जाती है थर्ड मैक्सिमम की, ठीक है। तो थ्योरी वाइज डिफ्रैक्शन कंप्लीट है, और सिर्फ इतने इतने पॉइंट जो मैंने बताए, देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिनिमा कहाँ कहाँ पर आता है ये पता होना चाहिए, ये तुम्हें पता चल गया। दूसरी चीज कि ओवरऑल शेप कैसी होती है, ठीक है, ये भी रिजल्ट तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये याद रहने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, इसमें अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो ये जो सेंट्रल सेंट्रल फ्रिंज बन रहा है, जो सेंट्रल फ्रिंज बन रहा है, यहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी एग्जिस्ट, मतलब मैक्सिमम एनर्जी कंटेन्ड है। तो ये सिंगल स्लिट से जो एनर्जी आई ना, उसका ज्यादा पोर्शन इसी सेंट्रल मैक्सिमम में कंटेन हो गया। तो सेंट्रल मैक्सिमम में कितनी एनर्जी कंटेन होती है, ये रफली आती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 84% ऑफ टोटल एनर्जी। मतलब इसमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो, उसमें से 84% एनर्जी तो ये सेंट्रल मैक्सिमम में ही कवर हो जाती है, और बाकी जो बची हुई 16% एनर्जी वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। ओके, एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि मुझे भी एहसास हो कि हाँ थ्योरी कंप्लीट हो गई है। एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे ले लेते हैं। क्वेश्चंस इसमें मेरे पास देखता हूँ कि और कुछ फिगर्स हैं कि नहीं मेरे पास। ये इंटेंसिटी के हाँ पैटर्न्स, चलो इसको भी एक्सप्लेन। ये एक्चुअल फोटोग्राफिक इमेज है सिंगल स्लिट सेटअप के लिए, जो पैटर्न है तुम देख सकते हो कि सबसे पहले जो फ्रिंज विड्थ है तुम देख सकते हो, सॉरी ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद जो भी मैक्सिमा आ रहा है ये तुम देख सकते हो, इसके बाद जो फर्स्ट वाला आ रहा है, फिर सेकेंड वाला आ रहा है, थर्ड वाला है, इन सब की विथ लैम्डा बाई डी है, और इसकी विथ 2 लैम्डा बाई डी है, ठीक है, एंगुलर विथ, ठीक है। और एनर्जी के टर्म्स में भी देख सकते हो, ये वाला बहुत ब्राइट है, इसके बाद का जो मैक्सिमा है वो इसके कंपेरिजन में बहुत ही डिम है, और इसके बाद का तो बिल्कुल ही सेम है। एग्जैक्टली ये वाला जो पार्ट है ना, ये सेंटर के कंपैरिजन में इसकी इंटेंसिटी सिर्फ 4.5% रह गई है, और इसके बाद वाले पार्ट की जो इंटेंसिटी है वो रफली 1.6% बस रह गई है, ठीक है। उसके बाद वाला जो मैक्सिमम है वो तो बिल्कुल 1% से भी कम है। ग्राफ की शेप ये थोड़ा सा, ये भी ठीक है, एक्चुअल कितना है पता नहीं। हाँ, तो ये जो इंटेंसिटी का पैटर्न है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो पैटर्न आएगा वो इस तरह का आएगा, उसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की होगी, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा की जो इंटेंसिटीज है वो मैक्सिमम के कंपैरिजन में कुछ इस तरह से है, 4.5%, 1.6%, 0.01%, ठीक है। और हाँ, ये भी हाँ, तो ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है इसको तुम लोग समझो। हाँ, तो ये अलग अलग मतलब ये अगर ये स्लिट मान लो बहुत वाइड है, ठीक है, और हमारे यहाँ से सोर्स जा रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफ्रैक्शन नहीं, लेकिन जैसे इस स्लिट गैप को ना हम कम करते जाएंगे, ये डी की वैल्यू, यहाँ पे डी को ए से रिप्रेजेंट किया, मैं डी जानबूझ करके दोनों जगह इसलिए ले रहा हूँ ताकि रिजल्ट को कंपेयर करना आसान हो, ठीक है, रिजल्ट को कंपेयर करना आसान हो, इसीलिए मैं डी लेकर के रिजल्ट निकाल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ए लिखा है ना वो स्लिट वेव है, तो तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे जो है ना किधर से देखें लैम्डा ए की वैल्यू,
स्लिट विड्थ की वैल्यू जैसे जैसे हम कम करते जाते हैं, ठीक है, स्लिट विड्थ ऐसे कम करते जाते हैं कम करते हैं, तो तुम देख सकते हो कि जो फर्स्ट मिनिमा है ना वो और दूर आता जाता है। ऐसे भी मिनिमा की पोजिशन क्या आती है, लैमडा अपॉन फर्स्ट मिनिमा की पोजिशन है लैमडा अपॉन डी के। तो तुम देख सकते हो कि ये जो डी है ना, ठीक है, अगर डी की वैल्यू हम कम करते जाएंगे तो ये जो मिनिमा है ये इंक्रीज करता जाएगा, मतलब ये जो एंगल है ये बढ़ता जाएगा, मतलब ये ज्यादा दूर तक लाइट जो है ना, जो ब्राइट स्पॉट है वो और ज्यादा फैन आउट होता जाएगा। ठीक, डी को डिक्रीज करेंगे तो जो थीटा है इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले जो लाइट, हाँ, तो पहले जो लाइट थी वो सिर्फ थोड़ा बेंड कर रही थी, ठीक है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास में ये इसी एग्जांपल से मैंने स्टार्ट किया था कि अगर ये दूर है, विड्थ ज्यादा है, तब तो ठीक है यहाँ पे ब्राइट स्पॉट वही बनेगा, लेकिन ये अगर इसकी विड्थ बिल्कुल ठीक है हम कम करते हैं और वेवलेंथ के पास आने लगते हैं तो ये फैन आउट होने लगता है, ठीक है, ब्राइट स्पॉट की जो का जो साइज है वो बढ़ने लगता है, और बहुत कम कर देंगे और लैम्डा, मान लो डी की वैल्यू बिल्कुल इक्वल ले ले लैम्डा के, तब तो ये जो पहला पहला मिनिमा कहाँ पर आएगा पता है, अगर डी और लैम्डा सेम हो जाए, साइन थीटा इक्वल्स 1, थीटा इक्वल्स 90, तो ये पूरा जो पूरी स्क्रीन पर ये लाइट ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, पहला मिनिमा आएगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। लेकिन इससे स्लिट विड्थ अगर इससे थोड़ी ज्यादा रखते हैं तो ये थोड़ा नैरो होता है, स्लिट विड्थ और ज्यादा रखते हैं तो ये थोड़ा और नैरो होता है, और शेप कुछ इस इन टाइप्स की आती है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं इससे, तो एक दो क्वेश्चंस बस लेकर के कंक्लूड करता हूँ। क्वेश्चंस इससे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस कई मिनिमा वाली पोजीशंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कि हमारे पास सिंगल स्लिट सेटअप है और हम हमारे पास जो फ्राउनहोफर कंडीशन में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो हम लाइट ले रहे हैं वो बिल्कुल मोनोक्रोमैटिक लेजर लाइट ले रहे हैं ऑफ वेवलेंथ 633 नैनोमीटर। ये हमारा लेजर सोर्स है, ठीक है, और सोर्स मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बता दी गई है, वह 6 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हमें दे दी गई है, ठीक है, वो बता दी गई 32 मिलीमीटर है, 3.2 सेंटीमीटर के अराउंड, ठीक है, हम स्क्रीन पे पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं और जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसकी विड्थ है 32 मिलीमीटर। तो पूछा गया है कि स्लिट विड्थ की वैल्यू कितनी होगी, स्लिट का साइज क्या होगा, स्लिट विड्थ सॉल्व करो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको क्या सॉल्व करना बताओ। ये हमारा सिंगल स्लिट है, और स्क्रीन है, और सेंट्रल लाइन है, और यहाँ पे जो पहला मिनिमा, तो ये वाली जो पोजीशन है ये हमें पता है लैम्डा बाई डी की, ये एंगुलर पोजीशन लैम्डा बाई डी है, तो ये जो लीनियर पोजीशन होगी थीटा टाइम्स डिस्टेंस, ये तो पता है ना, ये लैम्डा अपॉन डी, इसमें मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कर देंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है स्क्रीन डिस्टेंस कहते हैं। तो ये सेंट्रल फ्रिंज की आधी डिस्टेंस होगी, तो हमें क्वेश्चन में बताया गया 2 टाइम्स
लैम्डा डी अपॉन डी, ये वैल्यू है 32 मिलीमीटर, ठीक है। तो डी की वैल्यू गिवन है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, तो स्मॉल डी की वैल्यू पता चल जाएगी और जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लो वो वैल्यू कितनी आएगी, वो तुम चेक करो, वो रफली आ रही है 0.24 मिलीमीटर, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हें, दोनों साइड मिनिमा की पोजीशन पूछी गई है, डी और लैम्डा गिवन है, और दोनों साइड मिनिमा की पोजीशन पूछी गई है, स्क्रीन डिस्टेंस भी दे दी गई है, तो कैलकुलेट कर लोगे। एक और क्वेश्चन चलो मैं ले लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। स्लिट वेट की वैल्यू गिवन है 0.1 मिलीमीटर, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन ये गिवन है 1 मीटर, क्वेश्चन में कहा गया सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड, फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड, ये वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है 13 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, सॉल्व करो। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें स्लिट वेट की वैल्यू फिर से गिवन है और स्क्रीन पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी वेट, मतलब ये सेम ही क्वेश्चन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा जो आ रहा है उसकी वेट हमें बता दी गई है, ये जो वेट था यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का, मतलब ये वैल्यू गिवन है 13 मिलीमीटर, हमें डी की वैल्यू भी गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है, वेवलेंथ पूछी गई है, ये तो हम बोलेंगे कि सेंट्रल ये जो फर्स्ट मिनिमा होती है इसकी पोजीशन क्या होती है, ये वैल्यू एंगुलर पोजीशन होती है लैम्डा बाई डी, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा अपॉन डी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है लैम्डा अपॉन डी टाइम्स कैपिटल डी, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, 2 टाइम्स लैम्डा डी की वैल्यू 1 मीटर, स्मॉल डी की वैल्यू 0.1 × 10⁻³, और ये 13 मिलीमीटर 13 × 10⁻³, इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये वैल्यू आ रही है 650 नैनोमीटर, ठीक है, चेक कर लो उसको, 13/2 करो 6.5 और वो 650 नैनोमीटर के इक्वल आएगी, ठीक है। इसको रिवाइज करना, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।